तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड नमस्कार बच्चों सुबह का सलाम असलम सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे आज है हम लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर नाइन जिसमें आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में क्या होता है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में क्या क्या हमें पढ़ना है वन बाई वन सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा बेसिक से स्टार्ट करूंगा बस कंडीशंस जो मैंने दी थी वेट कर रहा था मैं कि काश कुछ टाइम और हो जाए बच्चे कुछ और कनेक्ट हो जाए बट आप लोगों का रिस्पांस उतना ज़बरदस्त नहीं रहता जो मैं उम्मीद करता हूं बट चलिए सेशन को कंटिन्यू करेंगे एक बार सेशन को कॉन्टिन्यू करने से पहले जितने भी स्टूडेंट हैं अगर किसी को भी इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो इन्फॉर्म कर दीजिए और अगर आपके कोई पर्सनल ग्रुप है उन ग्रुप में शेयर करना चाहे तो शेयर कर दीजिए yes. मैं लाइव तो हूं ना एक बार आप कंफर्म करिएगा क्या बेटा मैं लाइव हूं एक बार आप लोग कमेंट करिएगा क्या मैं लाइव हूं एक्चुअली में मेरे फोन में नहीं शो हो रहा मैं लाइव हूं यस yes. ठीक है मैं लाइव हूं हाँ ठीक है ठीक है पता नहीं मेरे फोन में सो ही नहीं हो रहा ठीक है चलिए तो सेशन को कंटिन्यू करेंगे और आज यहां से हम लोग इंट्रीगेशन के बारे में कुछ सीखेंगे और मैं ये जो सीरीज चला रहा हूं ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक कैलकुलेशन बहुत वीक है जिनके बेसिक कैलकुलेशन की वजह से ना प्रॉब्लम आती है केमिकल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या फिर आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो सकते हैं आप मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ब्रांच के बच्चे हो सकते हैं आपको ये इंट्रीसन इक्वेशन डिफ्रेंसी पार्शियल फ्रैक्शन ये वो बेसिक पार्ट होते हैं आप किसी भी ब्रांच के बच्चे हों आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए आज लेक्चर नंबर नाइन कंटिन्यू कर रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू हो पाएगी चलिए आज की आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि कल ये सेशन लूँगा या नहीं लूँगा और बेटा मेरा नाम सेलन कुमार है सैन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर एज आ हेड ऑफ़ केमिकल इंजीनियरिंग वर्क कर रहा हूँ और आप लोगों को इस प्लानट गेट में लीड कर रहा हूँ नंबर ऑफ टाइम्स मेरा गेट क्वालिफाई है एम मैंने टू थाउजेंड फोर्टीन में आई रोड की से कम्प्लीट किया था मुझे आ, अपने इस करियर में टीचिंग के अलावा इंडस्ट्रियल और रिसर्च एक्सपीरियंस भी है मैंने हर जगह वर्क किया है टीचिंग की अगर बात करूँ तो टीचिंग में सिक्सटीन प्लस ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और इस गेट फील्ड में नाइन प्लस ईयर से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ टीच कर रहा हूँ अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो इस समय इस ईयर जो भी मैं आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाला हूँ उसमें पहला सब्जेक्ट प्रोसेस कैलकुलेशन फिनिश कर चुका हूँ जिसको आप लोग मटेरियल एनर्जी बैलेंस बोलते हैं इसके अलावा जो मेरे अगले सब्जेक्ट हैं जिसमें से सिया आप लोगों का चल रहा है इसके बाद मैं थर्मोडानेिक्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को देन प्लान डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स और लास्ट में एकदम गेट के पास गेट से चार महीने पहले हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे ताकि हमारा वो फ्लो में भी बना रहे और जब एग्जाम देकर आए तो थर्टीन में थर्टीन मार्क्स मार के आ पाए दैट मीन्स हम पूरे में पूरे मार्क्स ला पाए क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में मैथेमेटिक्स तो टफ नहीं आती लेकिन डिपेंड करता है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है अरे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती होगी और बेसिक मैथमेटिक्स आप अगर पढ़ लेंगे तो आप केमिकल इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इस बार बहुत सारे बच्चे एक सेग्रीगेशन मॉडल का क्वेश्चन गलत कर दिए क्योंकि उनको इंट्रीगेशन नहीं आ रहा था उनको सेग्रीगेशन मॉडल आ रहा था बट इंट्रीगेशन नहीं आ रहा था तो ये मिस्टेक ना हो इसलिए यह सीरीज चला रहा हूं अभी भी टाइम है जग जाइए सोकर उठ जाइए क्योंकि आप लोग अगर ये सोचेंगे कि हम रिकॉर्डेड कर लेंगे तो तब कर लोगे ना जब ये सेशन कंटिन्यू होगा जब होगा ही नहीं तो फिर कहाँ से कर लोगे तो ये आपकी चॉइस है बेटा है ना ये आज आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा या नहीं एस के आस मेरा रेफरल कोड है इसके साथ टेन डिस्काउंट और जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर्स होंगे है ना जैसे कि अभी आज लास्ट डेट है ऑफर का अगर आप प्लस की तरफ मूव करना चाहें और डेफिनेटली अगर आप रैंक लाना चाहते हैं आप सिंसियर हैं अपने कैरियर के लिए तो आप प्लस के साथ मूव करिए ठीक है ये अनकेडमी लर्निंग ऐप अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए इसको आप गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर में जाइए वहाँ पर डाउनलोड करिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल कर लीजिए फिर मुझे फॉलो करने के लिए मेरा नेम शैलद कुमार या एट द रेट शैलिंदोर सर से मुझे फॉलो कर लीजिए ठीक है यहाँ पर आप इस तरह की प्रोफाइल ओपन होगी साइड में फॉलो का ऑप्शन आएगा फॉलो पे क्लिक कर देंगे वो फॉलोइंग हो जाएगा इसके बाद मेरे जो भी सेसन्स होंगे आपके जो फ्री क्लासेज होंगे वो फ्री क्लासेस का आपको लिंक मिलता रहेगा आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा ठीक है और अगर हम लोग बात करें बेटा अगर डायरेक्ट आप मेरे कांटेक्ट में नहीं हो तो आप प्लेनेट गेट केमिकल या डिस्कशन एट द रेट सैलेंसर से आप सर्च कर सकते हो सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो और ये आपका नया सब्जेक्ट केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट किया था जिसमें पहला लेक्चर बेटा ट्वेंटी मार्च को हुआ था और इसमें अभी तक बहुत ज्यादा नहीं चार से पांच लेक्चर हुए अगर आप चाहें तो एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन करिए और आज ऑफर की लास्ट डेट है है ना आपका ये ट्वेंटी फिफ्थ मार्च आज लास्ट डेट है ऑफर का अगर आज के दिन परचेज करेंगे तो आपको कोर्स का फी जो है वो ट्वेल्व मंथ का पे करना है उसमें भी डिस्काउंट है आपको थर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास कुछ पड़ेगा क्वाइंस रिडीम करने के बाद और उसमें आपको वैलिडिटी फिफ्टीन मंथ की मिलेगी ठीक है अगर आप ट्वेंटी फोर मंथ का परचेज करते हैं तो वैलिडिटी ट्वेंटी एट मंथ की मिलेगी और वो आपको फिफ्टी थ्री थाउजेंड से कुछ कम में ही पड़ेगा क्योंकि आपको वहां पर क्वाइंस भी रिडीम कर लेना है बट याद रखिएगा जब भी आप परचेज करिए कोड यूज करिए एस के एस फाइव जीरो बेटा मैं बाद में सॉरी नहीं सुनूंगा कि सर वो तो मुझे पता नहीं था सर वो मैंने फ्रेंड का कोड लगा दिया सर मैंने ये लगा दिया अगर आप मेरे गाइडेंस चाहते हैं मेरा सपोर्ट चाहते हैं तो आप मेरे कोड के साथ मुक करिए एसके एस फाइव जीरो मैं स्ट्रांग हूँ तो आप स्ट्रांग हो मैं स्ट्रांग हूँ तो आपको सारी चीजें मिल रही हैं अगर मैं वीक हो गया तो फिर आप जानिए अगर मैं ही आ नहीं रहा तो फिर आप जानिए ठीक है इसलिए अगर आप अपना थोड़ा सा मयामो छोड़ दीजिए है ना अपना पर्सनल बेनिफिट छोड़ दीजिए ओवरऑल कैरियर के बेनिफिट के साथ मूव करना चाहते हैं तो कोड यूज करिए एस एस फाइव जी और बाद में मत बोलना कि सर हमें पता नहीं था या बताया नहीं था ठीक है चलो सो so, और एक और बात कि थर्टी फर्स्ट से बेटा प्राइस हाइक भी होने वाला है टेन परसेंट जो भी अभी कॉस्ट है वो टेन परसेंट और राइज हो जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए ना और कॉस्टली हो जाएगा इसलिए और अगर आप हमारे साथ मूव करते हैं तो ये अनकेडमी के रैंकर्स हैं इस गेट ट्वेंटी थ्री के रिजल्ट के बाद जो कि अभी आपका टेन डेज पहले ही आया है तो अगर आप इस रिजल्ट के साथ आप भी मूव करना चाहते हैं तो आपको मूव करना पड़ेगा एस के फाइव जीरो के साथ चलिए तो आज के दिन हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है डिफनाइट एंड इनडिफनाइट इंटीग्रेशन तो चलिए हम बात करते हैं ये होता क्या है ये इंटीग्रेशन क्या होता है क्या पढ़ना है हमें चलिए वन बाई वन हम यहां से बात करते हैं चलिए स्ट्रेंथ बढ़ाते रहिए जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे उतना मजा आएगा फील आएगा और जो संकट के बादल है वो भी छट जाएंगे है ना चलिए हम बात करते हैं ये सर आपने कुछ लिखा है डिफ्रेंसीसन ये लिखा है इंटीग्रेशन तो ये क्या है चलो हम समझते हैं बेटा हम जब डिफ्रेंसीन की बात करते थे तो मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन होता था तो ये एक फंक्शन होता था वो फंक्शन मान लीजिए क्या है आपका फाइ एक्स और अगर इस फाइ एक्स का हम डिफ्रेंसिएशन कर दें क्या डी बाई डी एक्स ठीक है या फिर हम क्या लिख देते थे या फिर इसी को हम लिख देते थे एफ डैश एक्स ठीक है या फिर इसी को हम लोग किसके फॉर्म में लिख देते थे हम डी कैपिटल डी फाइ एक्स या तो इसके फॉर्म में लिख दे इसका मतलब क्या है इसका सिंपल सा मतलब होता था डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फंक्शन और किसका कौन सा फंक्शन जो कि ये x का एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तो x के उस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और जिसका फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे सर अगर मान लीजिए एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है तो फिर बेटा वहां पर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको ये मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में जब हमारा ये इंटीग्रेशन वगैरह हो जाएगा वैसे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन एक पार्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बट मैं वो भी आपको डिफरेंशियल ये बेसिक मैथमेटिक्स में कवर करूंगा तो सर इसका मतलब इसका मतलब बेटा सिंपल सा क्या है कि कोई एक फंक्शन है फाइव जो कि एक्स का फंक्शन है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में ही हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ ऐसा आ जाए एफ ऑफ एक्स भाई कोई तो एक वैल्यू आएगी ना इसकी जो भी हमारा फाइव एक्स एक फंक्शन होगा उसको जब डिफ्रेंसिएट करेंगे तो कोई एक फंक्शन आएगा लेकिन वो फंक्शन चेंज हो जाएगा सेम फंक्शन नहीं रहेगा तो हमने उसको मान लिया एफ एक्स अगर बेटा इसी फाइव को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो दोनों साइड क्या करिए आप इंटीग्रेशन ले लीजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और जब इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो ये डीएक्स जो होता है वो इधर पर आ जाता है डीएक्स इजक्ल टू अब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाता है फाइव तो जब इसी फंक्शन के डिफ्रेंसिएशन का पार्ट एफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है तो उस एफ एक्स के इंटीग्रेशन का पार्ट फाइव एक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जो हम लोगों ने इस वाले फंक्शन से या ओवरऑल में बोलूं ये सब एक ही लिखा हुआ है जो हम लोग इससे फाइंड आउट करते हैं हम इंटीग्रेशन करके इससे फाइंड आउट कर सकते हैं सर मतलब मतलब बेटा वही एग्जांपल मैंने यहां पर दिया है कि अगर आपसे मैं बोलूं कि ये जो एक्स क्यूब है इस एक्स क्यूब का डिफ्रेंसियन क्या होगा तो आपने क्या बोला इस एक्स क्यूब का डिफ्रेंसियन होगा सर एक्स टू दी पावर एन तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर मैंने बोला अच्छा ये क्या है सर ये डिफ्रेंसियन है किसका है एक्स क्यूब का है मैंने बोला बेटा एक काम करो इसका इंटीग्रेशन कर दो जिसका हमने डिफ्रेंसिएशन करके वो फंक्शन निकाला उस फंक्शन को हमने क्या लिखा 5x 5x क्या हो गया एक्स क्यूब इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो क्या या एफ एक्स एफ एक्स क्या हो गया थ्री एक्स इस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए तो हमने यहां पर लिखा इंटीग्रेशन थ्री एक्स स्क्वायर तो हमारा इक्वल टू ये 3 बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का जो जो इंटीग्रेशन होता है वो अभी मैं फार्मूला बताऊंगा वो होता है हमारा एक्स टू तो दावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. तो ये एक्स था तो एक्स टू दावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन तो टू प्लस वन अपॉन में जो डिनोम से ये वाला थ्री कैंसिल हो गया और ये वापस से क्या बन गया एक्स क्यूब और जब भी हम लोग इन इंटीग्रल की बात करते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं सी तो ये एग्जैक्ट ये फंक्शन आया ठीक है यही एक्स क्यूब और यही एक्स क्यूब लेकिन जो ये प्लस सी आया ये आगे अभी एक्सप्लेन करता हूं ये सी क्या होता है ये सी क्या होता है ये एक्सप्लेन करता हूं लेकिन हम लोगों का देखो सेम सेम नहीं बोले चलो सिमिलर वही फंक्शन आ गया अगर यहां पर सी की वैल्यू जीरो हो जाए तो हमारा सेम हो जाएगा क्या यही आ जाएगा क्या मतलब इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके जो एक फंक्शन फाइंड आउट करते हैं अगर उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें, तो हम वापस से वही फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस और अगर आप लोगों को सियारी में याद हो जब भी हम रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो वो रिवर्स रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है

तो ये जो y फंक्शन होता है इसी के रिस्पेक्ट में यदि y का हम इंट्रीगेशन कर दे तो ये इसके रिवर्स प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई ये मैं इतने बेसिक लेवल में पढ़ा रहा हूं इतना बेसिक लेवल में पढ़ा रहा हूं अगर किसी बच्चे को इंट्रीगेशन का आई भी नहीं पता ना वो भी यहां पर सीख पाए वो भी हर एक पॉइंट को रियलाइज कर पाए इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूं और अगर आज नहीं सीख पाए ना तो इंटीग्रेशन दुनिया में आपको कोई सिखा नहीं सकता ये याद रखिएगा कोई नहीं सिखा सकता आपको ठीक है तो इसलिए बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को कवर करिएगा तो एक, रिवर, एक रिवर्स प्रोसेस होगा किसका इंटीग्रेशन ऑफ वाई dx जिसमें ये y एक फंक्शन ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर उस फंक्शन आप x को डिफ्रेंशिएट कर दें ठीक है तो वहां से हमें जो मिलेगा अब अगर हम उसको इंट्रीगेट कर दें तो हमें वापस से ओल्ड फंक्शन मिल जाएगा वो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा था तो सर ये इंटीग्रेशन होता क्या है ये तो समझ में आ गया कि डिफ्रेंसियन का कुछ उल्टा प्रोसेस होता है सर ये समझ में आ गया डिफ्रेंसिएशन का कुछ उल्टा प्रोसेस होता है लेकिन सर ये बताइए ना कि ये होता क्या है इसको करते कैसे है? ये निकालते कैसे ये फार्मूले क्या होंगे चलिए हम इसकी बात करते हैं ये बेटा लिखा हुआ है एक कोई फंक्शन है एप ऑफ एक्स ये डी एक्स सर इसका मतलब क्या है एक बार वो बताइएगा तो जब भी बेटा हम लोग इसकी बात करते हैं ये हमारा एक टर्म होता है मैथमेटिक्स में का और एक टर्म होता है बेटा मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का ये जो समेशन है और ये इंटीग्रेशन है दोनों एक ही चीज है दोनों ही उनके सम को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन ये डिस्क्रीट वैल्यू के सम को रिप्रेजेंट करता है और ये continuous value के रिप्रेजेंट करता है सर ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस नहीं समझ में आया जैसे मैंने बोला बेटा x square, तो मतलब की जो होगी i equal to one से लेकर मान लो five तक, तो ये इनकी discrete value, जैसे i की वैल्यू वन पुट कर देंगे तो ये एक्स आई स्क्वायर था तो ये वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर जो भी इसका सम आएगा वो आंसर हो जाएगा लेकिन जब आपसे इंटीग्रल एक्स इंटीग्रल एक्स आई स्क्वायर पूछेगा तो ये आई की ये की वैल्यू यहां पर वन से लेकर फाइव तक अगर मैं वैसे ही कंसीडर कर लूं तो ये एक्स स्क्वायर का जो भी एक कर्व बनेगा उस कर्व का ये एक्स के करेस्पोंडिंग जो एरिया अंडर कर्व आएगा उसको रिप्रेजेंट करेगा तो ये क्या बताएगा ये एरिया एरिया अंडर दी कर्व अंडर एक्स एक्सिस ऑन लिख देना ऑन एक्स एक्सिस ठीक है फ्रॉम एक्स इक्वल टू वन टू एक्स इक्वल टू फाइव यह किसको को रिप्रेजेंट करता है ये ये रिप्रेजेंट करता है कि उसका जो उसका जो टोटल एरिया होगा एक्स एक्सेस पर उसका जो टोटल एरिया होगा ये कॉन्टिन्यूस सम को रिप्रेजेंट करता है सर मतलब जैसे बेटा हम ग्लास में वाटर ले तो वाटर का जो वॉल्यूम होगा या उसका कोई सरफेस एरिया होगा ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूस फंक्शन के सम को रिप्रेजेंट करती हैं लेकिन जैसे हम काउंटिंग कर रहे हैं तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा ये डिस्क्रीट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा हमने कितने स्टेप चले है ना ये हमारा डिस्क्रीट को रिप्रेजेंट करेगा अगर हम एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा तो कहां पर कौन सा यूज होता है आपको ये समझ में आ गया समेसन ये डिस्क्रीट के लिए है इंटीग्रेशन ये कॉन्टिन्यूस के लिए आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया चलो तो सर ये इंटीग्रेशन करेंगे कैसे अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास ये एक नोटेशन होता है कि इंटीग्रल और ये इंटीग्रल जो होता है ये बेटा ऐसे सम को रिप्रेजेंट करता है एस और इस सम को इधर ऊपर की तरफ इस एस को ये नीचे की तरफ इसको ऐसे शिफ्ट किया गया तो यही हमारा बन गया ऐसे और इसको इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रल का मतलब क्या होता है सम इंटीग्रल का मतलब क्या होता है सम तो ये सम को ही रिप्रेजेंट करता है किसके सम को उस फंक्शन को जो x का एक फंक्शन दिया होगा उसको उस पर्टिकुलर ये dx ये बताता है कि किस एक्सिस में उसके सम को रिप्रेजेंट करना है तो ये उसके एक्सिस को बता रहा है और ये आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा इसको सॉल्व करके हमारा fx plus c ऐसा कुछ आ जाता है हम ऐसा मान लेते हैं हम ऐसा मान लेते हैं बेटा मुझे नहीं पता एग्जैक्टली exactly क्या होगा क्योंकि अभी हमारा ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है कि ये fx फंक्शन कौन सा है हम ऐसा मान लेते हैं कि जब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो एक नया फंक्शन कैपिटल एफ मान लिया हमने एक नया फंक्शन आ जाएगा वो फंक्शन अब क्या होगा इसकी बात करते हैं तो जब हम इसकी बात करेंगे तो बेटा आप पहले ये सारे नोटेशन को समझ लेते हैं अगर कहीं पर ऐसा लिखा है इंटीग्रल एफ एक्स डीएक्स अगर कहीं पर ऐसा लिखा है इंटीग्रल ये साइन जो है ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है ये साइन रिप्रेजेंट करता है इंट्रीगेशन को ये साइन एक प्रोसेस है जो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इंट्रीगेशन ये जो साइन लगा हुआ है को खींच के बड़ा कर दिया ये जो साइन बना हुआ है ये साइन का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है इंट्रीगेशन ठीक है ये जो साइन लिखा है एफ एक्स डीएक्स किसको रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब ये किसका फंक्शन है एक्स का और किसके रिस्पेक्ट में ये डीएक्स के रिस्पेक्ट में तो इस एक्स के रिस्पेक्ट में इस एक्स के फंक्शन को इंट्रीगेशन कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये हमारा पूरा ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है तो सर ये जो एफ एक्स इन इन दिस है ना जो इंट्रीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स है इसमें जो एफ एक्स है वो क्या है वो एक नॉर्मल सा एक्स का फंक्शन है क्या है वो उसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेंड हम जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेंड जिसका इंटीग्रेशन करते हैं जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं जो हमारा एक्स का फंक्शन वहां पर गिवेन है जिसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है उसको क्या बोलते हैं इंटीग्रैंड फिर अगर हम बोले कि ये जो एक्स है इस इंटीग्रेशन प्रोसेस में वो क्या है ये जो dx रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा इसके रिस्पेक्ट में हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो इंटीग्रेंड किस वेरिएबल में रिप्रेजेंट करता है वो हमारा बताता है तो वेरिएबल आप इंटीग्रेशन किस वेरिएबल का फंक्शन है किसके वेरिएबल में हमें इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रैंड किसका फंक्शन है ये उसको बताता है तो ये x तो so, के function का होता होता है है जिसके respect में हमें integration करना होता है. अगर हम बोले इंटीग्रेट कर दो हम बोले इंटीग्रेट कर दो मतलब उसका इंटीग्रेशन कर दो है ना फाइंड इंटीग्रल ऑफ बोलते इंटीग्रेशन अगर कहीं बोले इंटीग्रेट दिस है ना इंटीग्रेट दिस वो फंक्शन दे दे तो मतलब उस फंक्शन का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है कहीं बोले एन ऑफ एफ तो एफ जो एक फंक्शन होता है तो आप फंक्शन एफ सच देश मतलब यहां पर लिखा था स्मॉल एफ और यहां पर हमने लिखा है कैपिटल एफ अगर हम उसी कैपिटल एफ का डिफ्रेंसियन कर दे तो हमें स्मॉल एफ मिल जाएगा और स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कर दे तो हमें कैपिटल एफ मिल जाएगा तो गॉट इट तो अच्छा फिर क्या बोला इंट्रीगेशन इंटीग्रेशन मैंने क्या बोला वो एक पूरे प्रोसेस को इंटीग्रेशन है. बोलते हैं, जिस हैं जहां पर हम इंटीग्रेशन या इंटीग्रेट कर रहे होते हैं फंक्शन को फिर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो दो तरह का इंटीग्रेशन होता है एक इंटीग्रेशन होता है बेटा आपका डिफनाइट इंटीग्रल और एक होता है in integral, जो होता है उसमें के और एक लिमिट लिखी होती है एक वैल्यू लिखी होती है, की, जिस के में कर रहे होते है उनकी कुछ एक रेंज दी होती है डोमेन दिया होता है हम बोले है ना अगर बेटा हम इनडिफनाइट की बात करें तो वहां पर हमें एक कॉन्स्टेंट लेना होता है जैसे एनी रियल नंबर सी Considered as constant function. हम कुछ एक कॉन्स्टेंट ले वैल्यू लेते हैं और जब भी इन in इंटीग्रल करते हैं तो वहां पर अपने आप से प्लस सी लगा देते हैं ये याद करके रखना है आपको अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट होगा चलिए आगे बढ़ते हैं वापस से हमारा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज्कल टू एफ एक्स प्लस सी तो ये जो एफ एक्स लिखा है ये एफ एक्स ये क्या है हमारा इंटीग्रेंड ये जो एक्स है ये ठीक है ये वेरिएबल है जिसमें फंक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है ठीक है वेरिएबल ये जो एक्स लिखा है ये वो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है ये वेरिएबल है किसका फंक्शन का और ये जो वेरिएबल है ये इंटीग्रेशन का ये जो वेरिएबल है इंटीग्रेशन का ये जो साइन है ये इंटीग्रेट इंटीग्रेट मतलब ये आपको ऑर्डर देता है कि इंटीग्रेट करिए इस फंक्शन को इंटीग्रेट करिए इस इंटीग्रेंड का उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो ये हमारा निकल के आया ये हमारा ये क्या कहलाता है इंटीग्रल और ये क्या है आपका इंटीग्रल कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट और ये जो पूरा प्रोसेस है ये जो पूरा प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इंटीग्रेशन बहुत सारे बच्चों को इंटीग्रेशन करना आता है लेकिन ये पूरा पूछ लो ना कि कौन कौन सा टर्म है वो ये नहीं बता पाते बहुत सारे बच्चों को आता है इंटीग्रेशन करना लेकिन अगर हम उनसे यही पूछ ले कि चलो पूरा ये एक्सप्लेन कर दो कौन क्या है नहीं पता होता बेटा हर एक चीज बेसिक आना बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक आना बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग आके ज्वाइन करते हैं देख के चले जाते हैं तो बेटा आप आखिर क्या चाहते हो आपको चाहिए क्या मैं यहां पर मुजरा करके दिखाऊं तब आप रुकोगे तो ठीक है भाई जिसको जाना है वो जा सकता है ठीक है कोई बात नहीं है ना ज्वाइन किए थर्टी तक उससे ज्यादा भी लोग ज्वाइन किए बट कोई बात नहीं अच्छा यहां पर कुछ एक नया वर्ड आपको दिख रहा होगा प्रीमिटिव एक नया वर्ड आपको दिख रहा होगा प्रीमिटिव ठीक है भैया जितने धुरंधर हैं जिनको मैथमेटिक्स बहुत आती है मुझे कोई बता पाएगा ये प्रीमेटिव क्या होता है ये एंटी डेरिवेटिव दे, ये क्या होता है कोई बताएगा मुझे कोई मुझे बताएगा ये एंटी एंटी डेरिवेटिव क्या होता है ये प्रीमेटिव क्या होता है कोई मुझे बताएगा सर स्क्रीनशॉट लेना है किसका किसका एंटी uh, किसका स्क्रीनशॉट लेना है बेटा ये लो ये लो स्क्रीनशॉट ले लो किसका लेना है ये लो शुरू से ले लो ये लो इसका इसका स्क्रीन शॉट ले लो पहले हो गया होगा फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लो हो गया होगा फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लो हो गया होगा ये लो भैया इसका स्क्रीन शॉर्ट ले लो ये फंक्शन का वेरिएबल है और ये इंटीग्रेशन का वेरिएबल है ये इंटीग्रेंड है ये इंटीग्रेट का साइन है इसको पूरा सॉल्व करो तो ये इंटीग्रल कहलाता है वो इंटीग्रल कांस्टेंट कहलाता है या इंटीग्रल कहलाता है और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन चलिए हो गया होगा अब यहां पर आ जाते हैं अब हम यहां पर आ जाते हैं डन चलो अंकुश चौबे ने बताया है एंटी डेरिवेटिव मतलब कि जो डेरिवेटिव को रूप में आंसर है उससे अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना शायद ऐसा होता है अच्छा मतलब लॉग और एंटी लॉग कुछ वो याद आ रहा है क्या लॉग और एंटी लॉग कुछ ऐसा याद आ रहा है क्या बेटा अंकुश चौबे ठीक है चलो अच्छा कोई और मुझे आंसर करो कोई और बच्चा बताए मुझे ये प्रीमेटिव या एंटी डेरिवेटिव क्या होता है कोई मुझे बताए चलो मैं आपको बताता हूं जैसे बेटा कहीं पर लिखा हो कहीं पर लिखा हो एक्स क्यूब बाई थ्री ए जो ए जो प्रीमेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स कर दू तो यही हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा एक्स क्यूब बाई थ्री बट प्लस सी बट प्लस सी तो ये जितना भी एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी लिखा हुआ है ये सारा का सारा क्या है प्रीमेटिव कहलाता है इसी को हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं मतलब डेरिवेटिव, ठीक है का जो एंटी डेरिवेटिव है जो कोई फंक्शन है उसका प्रीमिटिव है मतलब वो उसके इंटीग्रल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं पहले इंटीग्रल ये वर्ड बाद में आया पहले इसको प्रीमिटिव या एंटी डेरिवेटिव के टम्बे एक्सप्लेन किया जाता था अब जैसे अगर ये जो भी आया है अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल दूं तो हमारा क्या ओल्ड फंक्शन आ जाएगा अगर इसको डिफ्रेंशियट कर दें तो बेटा चलो एक बार डिफ्रेंशियट कर देते हैं मैंने लिखा यहां पर डी बाई डी एक्स और ये फंक्शन था हमारा x 3 c. और जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो दोनों फंक्शन अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे तो ये वन बाई थ्री बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स

या हम बोले कि एक्स स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी तो ये जो एक फैमिली ऑफ फंक्शन है ये हमारा क्या कहलाता है यही कहलाता है एंटी डेरिवेटिव या प्रीमेटिव एंटी डेरिवेटिव या प्रिमेटिव अगर इसको डेरिवेटिव निकाल दें अगर इसका डेरिवेटिव निकाल दें इसको हम लोग क्या करें डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारा क्या जाएगा जो फंक्शन आएगा अगर इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकाल दे तो हमारा यह फंक्शन वापस से आ जाएगा इसका मतलब जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको डेरिवेटिव बोलते हैं जब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं उसी को प्रीमेटिव बोलते हैं बात क्लियर हां सर यही कहना चाह रहा था चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं बस फीलिंग इंपॉर्टेंट है आपने बोला और अगर सेम फीलिंग से बोला तो मतलब सही है है ना इंपॉर्टेंट क्या है फीलिंग है तो इसी को बोलते हैं बेटा प्रिमिटिव या इसी को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव आप बहुत सारे स्टूडेंट होंगे बीटेक तक पहुंच गए होंगे लेकिन उनको अभी यह नहीं पता होगा कि अच्छा इसको प्रीमेटिव भी बोलते हैं बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा शायद जितने लाइव प्रेजेंट है या रिकॉर्डेड देख रहे होंगे ज्यादा ज्यादा दस परसेंट बच्चे होंगे जिनको पता होगा बस ठीक है चलो आगे बात करते हैं हम लोग इनडिफिनाइट इंटीग्रल इनडिफिनाइट इंटीग्रल क्या होता है इनडिफरेट समझिएगा मेरी बात को इनडिफरेट बेटा जितने भी लोग लाइव प्रेजेंट है प्लीज ये कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करिए आप लोगों को जो चीजें यहां पर मिल जाएंगी जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो आप जनरली सीख नहीं पाएंगे फिर मैं इतना बेसिक और जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं हर एक चीज आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं होगा कि यार मुझे टाइम नहीं लगता होगा रात में मेरी भी अलेवेन थर्टी के आसपास प्लस की क्लास ओवर होती है कल भी ऐसे ही अलेवन ट्वेंटी के आसपास हो गया था ठीक है मैं सुबह चार बजे सोता हूं और इसके बाद आप लोगों को आठ बजे ये क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं तो यार मैं भी तो आप लोगों के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं ना इसमें मेरा क्या बेनिफिट है बताओ सिर्फ इसलिए मैं चाहता तो ये सेशन रात दोपहर में भी लगा देता ग्यारह बजे बारह बजे एक बजे ये भी कर सकता था ना आठ बजे लगा रहा हूं किसी का कॉलेज अफेक्टेड ना हो आप सब लोगों को बेनिफिट मिल जाए आपको तो नाइट में पीपीटी नहीं बनाना मैं तो पूरी पीपीटी बना के ला रहा हूं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अब आप कभी समझिएगा जितनी पीपीटी ये है अगर आपको इतनी बनानी पड़ जाए ना तो आप कितना टाइम लोगे एक जब दस पेज की आपको पीपीटी बनानी पड़ती है कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने के लिए तो चार लोग मिलके पांच लोग एक ग्रुप काम करता है और एक महीने तक पीपीटी बनाते हो आप लोग तब जाके एक पीपीटी रिप्रेजेंट कर पाते हो हम तो डेली नई नई पीपीटी बना के लाते हैं अगले कंटेंट का फिर और ये कोई और नहीं बना देगा मेरा कोई टीम का मेंबर नहीं बनाता मुझे डिसाइड करना होता है कि मुझे क्या पढ़ाना है कैसे एक्सप्लेन करना है क्या रिप्रेजेंट करना है मैं खुद बनाता हूं तो यार कम से कम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट तो करो आप लोग लाइव तो रहो यार है ना चलिए अगर हम बात करते हैं इनडिफिनाइट इंटीग्रल बेटा जब भी हमारा इनडिफिनाइट इंटीग्रल की बात होती है तो वहां पर हमारा एक कांस्टेंट टर्म आता है और उसके इंटीग्रेशन के लिए हमें कुछ बेसिक फार्मूले की नीड होती है चलो मैं डायरेक्ट बेसिक फार्मूले की बात करता हूं कहीं पर भी हमारा ऐसा बोले इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इजक्वल टू एफ एक्स प्लस सी तो ये एक अलग फंक्शन है ये एक अलग फंक्शन है कुछ बेसिक फार्मूले पढ़ते हम लोग कुछ बेसिक फार्मूले पढ़ते हैं हम लोग लो, समझिएगा गुड अब बढ़े हैं बच्चे कुछ चलिए तो कुछ बेसिक फार्मूले पढ़ते हैं हम लोग इनको बोलते हैं फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूला जो भी आप ये फार्मूला पढ़ रहे हो इनको बोलते हैं फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूला और ये एक, -एक फार्मूला मैंने खुद टाइप करके लिखे हैं मैथ कैट से ठीक है या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट uh, की इक्वेशन से जाके भी लिख सकते हैं तो कैसे होगा ये समझिएगा कैसे होगा अगर हम इंटीग्रेशन वन डी की बात करें तो हमेशा याद रखिए ये जो भी पॉइंट में लिखा रहा हूं आपको दोबारा अगले दिन याद करने की नीड ना पड़े आज ही के दिन ये याद हो जाने चाहिए एक बार नहीं दस बार लिखो दस बार देख के लिखो दस बार बिना देखे लिखो लेकिन जब तक याद ना हो जाए तब तक इनको रिपीट करना है और आज ही याद कर लेना है कभी भी बेटा वन के इंटीग्रेशन की बात करेगा तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वन का इंटीग्रेशन करेगा वही वेरिएबल प्लस कांस्टेंट उसका आंसर होगा जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वन डी तो किस किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? X के रिस्पेक्ट में तो वही वेरिएबल प्लस कांस्टेंट उसका आंसर होगा one का इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा वही वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है तो वन का क्या हो जाएगा एक्स प्लस अगर किसी कांस्टेंट का वेरिएबल पूछे तो वो कांस्टेंट बाहर निकल आएगा अंदर हमारा वन बचेगा और वन का इंटीग्रेशन हमारा वो वेरिएबल हो जाएगा बाहर ले लिया जाता है चाहे इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंसियन हो दोनों के केस में हमारा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है तो अगर हमारा इंटीग्रेशन आप ए डी एक्स की बात करें तो यह क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस सी तीसरा अगर हमारा एक फंक्शन कोई पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो या एक्स की डिग्री के फॉर्म में हो एक्स टू पावर एन डी एक्स तो इसका फार्मूला होगा एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ये उसका फार्मूला होगा और ये अगर हमारा इनडिफिनाइट इंटीग्रल है तो प्लस सी और होगा और अगर डिफनाइट इंटीग्रल है तो नीचे की लिमिट और ऊपर की लिमिट ब्रैकेट में वैसे ही नीचे और ऊपर लगा देंगे पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे फिर नीचे वाली कल पढ़ाऊंगा इनडिफनाइट इंटीग्रल तो कल वहां पर वो भी बताता हूं कल उसकी प्रॉपर्टी बताता हूं आज पहले इनडिफनाइट इंटीग्रल समझ लेते हैं तो तीन चीजें मैंने बताई बिना देखे याद करते जाओ तीन चीजें अभी तक बताई वन का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो वेरिएबल प्लस सी वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी ए एक्स का ए का इंटीग्रेशन, ए का इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस सी एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी अच्छा अगर मैं आपसे पूछू जल्दी से बताना, ना एक्स टू दावर माइनस टू का इंटीगेशन जल्दी से बताओ एक्स टू दावर माइनस टू का इंटीग्रेशन, जल्दी से बताइए एक्स टू दी पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन जल्दी बताइए माना मैं भी यही था पर डर लगता है बोलने के लिए क्यों भाई शिवम कौन सा आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा बोलना इंपॉर्टेंट है आंसर दो गलत हो या सही हो अलग मैटर है सर पता नहीं बाकी लोग क्यों नहीं आते अभी दर्द जो है ना गेट वाला वो कम हो गया है एक महीने से ऊपर हो गया दो महीने हो गया है ना 11 फेब को एग्जाम हुआ था 11 मार्च और ट्वेंटी फाइव मतलब एक महीने पंद्रह दिन के आसपास चौदह दिन हो गए तो इसलिए दर्द कम हो गया फिर जब दर्द आएगा तब याद आएगा सर प्लीज बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाओ ना और तब तक मैं ये सारे वीडियो प्राइवेट करवा दूंगा सर मतलब इंटीग्रेशन एड हो, होगा एंड डिफ्रेंसी मतलब डिडक्शन डिफ्रेंसी का मतलब डिडक्शन नहीं होता बेटा डिफ्रेंसी का मतलब होता है वो उसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है और जब मैंने डिफ्रेंसी पढ़ाया था तो याद करो मैंने उसको पूरा बताया था कि क्या होता है वो चलिए बाकी का आंसर आया क्या नहीं सर आप तो मसीहे के रूप में आयो हम जैसे लोग अंकुश भैया मसीहा नहीं बनना बस आप लोगों का एक हेल्पर हूं हेल्पर बन के ही रहना है चलो अच्छा अगर हमारा क्या होगा मैंने क्या पूछा आपसे कि भैया x टू पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन बता दीजिए इसका मतलब क्या है वन बाई एक्स स्क्वायर और कल के दिन सियारी में ये यूज हुआ था क्या कहीं कुछ मुझे कुछ याद आ रहा है ऐसा कुछ यूज हुआ था चलो अगर हम इसकी बात करें वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन आप वन बाई एक्स इसका क्या हो जाएगा इसका मतलब है टू माइनस वन तो x टू माइनस तो तो और ये एक्स टू दावर माइनस टू प्लस वन एक्स टू दावर माइनस वन मतलब माइनस वन बाई एक्स बिल्कुल सही है जिसका भी ये आंसर आ रहा था जिसका भी ये आंसर आ रहा था बिल्कुल सही है। तो फिर किसी का भी हम एग्जैक्टली निकाल देंगे क्या का सन, सर, X -3. X -3 का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सर फोर बाई फोर. का सन, सर कितना एक पावर ऊपर बढ़ा दीजिए और जो पावर ऊपर है उसको नीचे डिवाइड कर दीजिए मैं बोला एक्स टू दि पावर फिफ्टी टू का इंटीगेशन सर एक्स टू दिपावर माइनस फाइव का इंटीगेशन एक्स टू दिपावर माइनस फाइव का इंटीगेशन सर एक बढ़ा दीजिए वो प्लस में बढ़ता था यहां माइनस फाइव है एक घटा दीजिए माइनस फाइव प्लस वन अपॉन माइनस फाइव प्लस वन एक्स टू सर माइनस फोर अपॉन माइनस फोर मैंने बोला एक्स टू पावर माइनस टेन का इंटीगेशन एक्स टू दावर माइनस नाइन अपॉन माइनस नाइन एक्स टू दावर माइनस एटीन का इंटीग्रेशन सर एक्स टू पावर माइनस सेवनटीन अपॉन एक्स अपॉन माइनस सेवनटीन क्या कहते हो बच्चा ठीक है पॉजिटिव में एक पावर बढ़ा दीजिए और जो पावर में आए उसी को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए निगेटिव में एक पावर घटा दीजिए और जो ऊपर पावर हो उसी से डिवाइड कर दीजिए बात खत्म चलो तीन चीजें समझ में आई है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं तीन चीजें समझ में आ गई इंटीग्रेशन टू एक्स इंटीग्रेशन ए डी एक्सलगेशन एक्स टूर एन डी एक्सलॉर एन प्लस में प्लस सी और एड कर देना चलो अगर ये तीन चीजें हो गई तो फिर थोड़ा सा तीन और फार्मूले पढ़ते हैं एक फार्मूला पढ़ते हैं एक फार्मूला पढ़ते हैं अभी आपको एकदम क्लियर हो गया एकदम क्लियर हो गया मैंने बोला बेटा एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर माइनस थ्री का इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर माइनस थ्री का इंटीग्रेशन सर ने बताया था कि एक बार इसमें प्लस वन कर दो और उसी को नीचे डिवाइड कर दो सर इसका हो जाएगा एक्स टू दावर माइनस टू अपॉन माइनस टू गॉट इट यस आर नो ये सही लिखा है कि नहीं जल्दी से बताओ हो. सही लिखा है कि नहीं सर सही लिखा है तो फिर एक बात बताओ अगर मैं बोलूं कि एक्स टू दावर माइनस वन का इंटीग्रेशन चलिए जल्दी से बताइए एक्स टू दी पावर माइनस वन का इंटीग्रेशन सर ने बोला था माइनस हो तो एक ऐड कर दो सर टू अपॉन दोन जीरो जीरो हो होगा क्या हो गया इसका जीरो होगा क्या एक्स टू दावर जीरो जीरो, X जीरो, X जीरो अरे वन होगा क्या सर अपॉन में जीरो इनफाइनाइट होगा क्या कंफ्यूजन हो कंफ्यूजन क्या होगा एक्स टू दी पावर माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा जीरो होगा कि वन होगा कि इंफिनिटी होगा क्या होगा या फिर एल एन एक्स होगा तो ये एसेप्शनल केस है ये में ये में के फंक्शन का एक्सेप्शनल केस है और कभी भी बेटा वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन पूछे तो हमेशा याद रखेगा ये एल एन एक्स होगा वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन पूछे तो ये एल एन एक्स होगा एल एन एक्स प्लस मॉड क्यों लगा है मॉड क्यों लगा है क्योंकि बेटा एक्स की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती एल एन के अंदर और अगर एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी तो वो हमेशा मैथ एरर को करेगा मैं आपको दिखा देता हूं देखो दिख रहा है सभी को एल एन माइनस फाइव और मैंने जैसे ही इसको इक्वल किया तो क्या लिख के आ रहा है मैथ एरर इसका मतलब मॉडल इसलिए लगाया गया है कि ये एक्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा अगर एक्स निगेटिव वैल्यू है तो हमारा इसका इंटीग्रल डिफाइन नहीं होगा बात समझ में आ गया चलो तो फिर ये जो हम बात कर रहे थे जीरो होगा वन होगा इंफिनिटी होगा ये एक एक्सेप्शनल केस होगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला ये अब एक चौथा फार्मूला में याद हो गया चौथा फार्मूला याद हो गया इंटीग्रेशन वन बाई एक्स इज टू एल एन एक्स प्लस सी और एक्स जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो आप ऐसा बोल सकते हो एल एन मोड एक्स प्लस अगर टू पावर इक्स का इंटीग्रेशन निकालना हो टू ईटू पावर एक्स एक बेटा उस एक्सेप्शनल केस को रिप्रेजेंट करता है जो चुपचाप खड़ा हो जाता है भाई तुम मेरे साथ चाहे डिफ्रेंसिएशन कर तुम मेरे साथ चाहे इंटीग्रेशन कर मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं चेंज करने वाला मतलब ये एक वो इंसान है चाहे दुख हो या सुख हो सेम नेचर को रिप्रेजेंट करता है दैट इज द टू दू दावर एक्स दू पावर एक्स चाहे आप उसका डिफरेंसन करिए चाहे आप उसका इंटीग्रेशन करिए दोनों सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है इ टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी टू पावर एक्स इ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी टू पावर एक्स तो नेक्स्ट टर्म इंटीग्रल ई टू दॉर एक्स डी एक्स इजल टू ई टू दॉर एक्स प्लस सी फिर एक और टर्म आता है इंटीग्रल ए टू दी पावर एक्स डी एक्स ए टू दी पावर एक्स डी एक्स तो बेटा ए टू दी पावर एक्स का क्या होता है ए टू दी पावर एक्स अपॉन एल एन ए जो बेस होगा वो लॉग बेस ई पर ए लॉग बेस ई पर ए तो हम लोग उसी को क्या बोल देते एल एन लॉग बेस ई उसको क्या बोल देते एल एन तो हमारा क्या हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स अपन अपॉन एल एन एक्स बस यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है एक ही वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए बट वन नहीं होनी चाहिए एक ही वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए बट वन नहीं होनी चाहिए सर क्यों क्यों नहीं वन होनी चाहिए क्योंकि बेटा वन की पावर में एक्स कुछ भी हो वो हमेशा वन को रिप्रेजेंट करेगा और फिर इस केस में जो ये सबसे नीचे इंटीग्रेशन लिखा है वो सबसे ऊपर वाले इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा और उसका आंसर एक्स प्लस सी हो जाएगा तो वन नहीं होना चाहिए और ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए तो हमारा हमेशा ये ट्रू होगा ये याद रखिएगा चलिए इतने फार्मूले आपको याद हो गए इतने फार्मूले आपको याद हो गए ठीक है एक बार रिपीट कर लें क्या सारे फार्मूले इंटीग्रेशन वन डी का एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ए डी उसका हो जाएगा ए एक्स इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन डी एक्स एक्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डीएक्स एल एन एक्स एलेन मोड एक्स प्लस सी इंटीगेशन इक्स डी एक्सू दी इंटीग्रेशन ए टू द्लस इंटीगेशन ए टू दी एक्स ए टू प्लस सी वाओ ये सारे पार्ट हमारे याद हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चलो इसमें किसी को कोई डाउट अब ये सिक्स याद हो गए अगले सिक्स टिगोनोमेट्रिक वाले अगले सिक्स टिगोनोमेट्रिक वाले यहां पर हमने क्या कवर कर लिया यहां पर हमने एक बेस टू दी पावर एक्स को रिप्रेजेंट कर लिया ए टू दी पावर एक्स को रिप्रेजेंट कर दिया वन बाई एक्स को रिप्रेजेंट कर दिया पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर दिया कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट कर दिया अब अगले सिक्स कौन से हमारे टिगोनोमेट्रिक फंक्शन के सिक्स हैं अभी तक आपको याद होगा जो भी हम इंटीग्रेशन सॉरी जो भी हम डिफ्रेंसियन पढ़ते थे उसको जस्ट उल्टा करते जाइए अपने आप इंटीग्रेशन आता जाएगा आपको याद है क्या हम जब डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे थे तो हमने बोला कि जहां पर तीन सी आएंगे कॉस कॉसेक और कॉट वहां पर हमारा माइनस साइन आएगा डिफ्रेंसिएशन में अगर वो अब हम उल्टा कर लें जो डिफ्रेंसिएशन की बात की थी वहां पर अगर हम इंटीग्रेशन का साइन कर दें और फिर उसकी बात करें सर मतलब मतलब सर मतलब चलो बेटा समझ लेते हैं जरा थोड़ा सा हम क्या बोल रहे थे डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज कल टू कॉस एक्स सर मतलब अगर इस डी बाई डी एक्स को इधर ले जाए तो तो उल्टा हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा क्या उल्टा कर दो इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स और प्लस सी सर अगर आप बताइए डी बाई डी एक्स अगर सर कॉस एक्स हो तो तो बेटा कॉस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन था वो हमारा क्या है था माइनस साइन एक्स तो आप क्या करिए डिफ्रेंसिएशन में जहां पर सी होगा वहां पर माइनस आएगा इंटीग्रेशन में जहां पर सी नहीं होगा वहां पर माइनस आएगा सर मतलब अगर बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी की बात करें तो ये वाला माइनस इधर पहुंचा दो ये माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा मतलब जहां पर इंटीग्रेशन या सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि राइट साइड में जहां पर सी आएगा तो ऐसा क्यों कंफ्यूज हो आप सीधे ऐसा बोल दो कि इंटीग्रेशन में जहां पर सी नहीं आएगा वहां पर माइनस आएगा चलो सारी बात करते हैं इंटीग्रल साइन एक्स डी यही निकाला कि हमने माइनस कॉस एक्स सी इंटीग्रेशन कॉश एक्स डीएक्स यही निकाला क्या हमने साइन एक्स प्लस सी मैंने तरीका तो बताया ना आपको अच्छा आपको याद है इंटीग्रेशन टेन एक्स यहां पर हमारा यहां पर हमारा ठीक है सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इसका क्या गया टेन एक्स चलो अब यहां पर देखिएगा यहां पर कॉशिक स्क्वायर एक्स डी एक्स कॉशेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स सेक एक्स टेन एक्स ये किसका होता था सेक एक्स का और कॉस किसका होता था का आप ऐसे ही याद करो बेटा जहां पर यहां पर सी आएगा ये कॉस आ रहा है तो माइनस ये कॉट आ रहा है तो माइनस ये कॉसक आ रहा है तो माइनस ऐसे याद करो ऐसे याद करो निगेटिव साइन वहां पर आएगा जहां पर हमारा इंटीग्रल सी को रिप्रेजेंट करेगा इंटीग्रल की वैल्यू सी को रिप्रेजेंट करेगा कॉस तो माइनस कॉट तो माइनस कॉसेक तो माइनस ऐसे याद करो और जस्ट उल्टा कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स कॉट का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स सेक का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस एक्स कॉट एक्स जस्ट उल्टा हो गया इंटीग्रेशन साइन इस साइड लगा दीजिए बाकी हम इस साइड पहुंचा दें ये याद रहेगा ये अब आपको याद रहेगा ये नहीं भूलेगा चलो एक बार बिना देखे सारा रिपीट कर लेते हैं एक बार बिना देखे इस स्लाइड में जितनी भी चीजें लिखी है सबको रिपीट कर लेते हैं इंटीग्रेशन वन डीएक्स एक्स प्लस सी इंटीगेशन ए डीएक्स एक्स प्लस सी एक्स टू पावर एन डी एक्स एक्स टू पावर एन प्लस सी वन बाई एक्स डीएक्स एल एन प्लस सी इंटीग्रेशन ए टू दी एक्सू द्लस ए टू पावर एक्स डीएक्स ए टू द्लसगेशन साइन डीएक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी इंटीगेशन कॉस डीएक्स साइन एक्स प्लस सी ठीक है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स टेन एक्स प्लस सी अब इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटीगेशन तो क्या हो जाएगा प्लस सी ठीक है अब फिर दो चीजें इंटीग्रेशन कॉशेक एक्स डी एक्स तो कॉट एक्स सॉरी माइनस कॉट एक्स प्लस सी और इंटीग्रेशन कॉशेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस uh, क्या हो जाएगा कॉसक एक्स प्लस सी याद है सब सारे के सारे याद है एक बार क्लास ओवर होते ही ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लिख के देखेंगे याद हो जाएंगे क्या बोलो बेटा याद हो जाएंगे क्या मेरा अप्रेंटिसिप खत्म अब होगा पढ़ाई स्टार्ट गुड 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 जहां जहां पर सी आएगा चलो एक बार टिगोनोमेट्रिक वाले फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार टिगोनोमेट्रिक वाले फिर से रिपीट कर लेते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टेन एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी बेटा सेक एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन cosec एक्स एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा माइनस एक्स प्लस सी क्या कहते हो बच्चा याद हो गया क्या सभी को सभी को याद हो गया क्या yes or no. yes or no. मैं ये नहीं चाहता ना कि मैं आपको होमवर्क में दे दूं याद कर लेना मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ याद करते हुए चलो आप मेरे साथ साथ याद करते हुए चलो सिक्स फॉर्मूले ये सिक्स फॉर्मूले ये तो अब मूव करते हैं अगले सिक्स फॉर्मूले की तरफ चलो पहले अगले सिक्स की पहले कुछ अगले फोर मेन फॉर्मूला जो बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं सर आपने हमें पढ़ा दिया साइन और कॉस का सर टेन कॉट सेक और कॉसिक का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया टिगोनोमेट्रिक के छह फार्मूले साइन और कॉस सर ये सेक स्क्वायर है ये कॉशेक स्क्वायर है ये सेक एक्स टेन एक्स है ये कॉसेक एक्स कॉट एक्स है सर हमें इन बाकी चार जो टिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते उनका इंटीग्रेशन तो बताइए साइन और कॉस हो गया सर टेन कॉसेक सेक कॉट का तो बताइए तो चलो अगले चार फॉर्मूले अगले चार फॉर्मूले यही है क्या टेन कॉट सेक कॉसेक चलो भाई अगर हम बोले कॉटेक्स डीएक्स इंटीग्रेशन कॉटेक्स डीएक्स ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी याद करना पड़ेगा बेटा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहां पर अभी आपको प्रूफ नहीं बता रहा हूं कि कैसे हम प्रूफ करके निकालेंगे है ना अगर कभी नीड होगी तो बता भी दूंगा वो ऐसे नीड नहीं है याद करते हुए चलो चलिए तो नोट कर लीजिएगा ये कॉट एक्स का क्या हो जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा लॉग मॉड कॉस एक्स सेक एक्स का क्या हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस एक्स आपको याद होगा वहां पर मल्टीप्लाई में आता था यहां पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स और यहां कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स चलिए ये थोड़ा सा टफ पड़ेंगे ये थोड़ा सा अजीब लगेंगे लेकिन है तो है है तो है उसको क्या कर सकते चलिए नोट करिए सारे फॉर्मूले नोट करिए और एक बार यहीं पर रिपीट करेंगे और देखो सारे याद हो जाते हैं कि नहीं इंटीग्रेशन कॉट एक्स डीएक्स लॉग मॉट साइन एक्स इंटीग्रेशन टेन एक्स डीएक्स माइनस लॉग मॉट कॉस एक्स इंटीगेशन सेट एक्स एक बार फिर से रिपीट करो और अभी क्या भी याद करो बेटा बिना देखेगेशन कॉट एक्स लॉग मॉड साइन एक्स इंटीगेशन टेन एक्स माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स इंटीगेशन सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटीगेशन कॉसैक एक्स लॉग मॉड कॉट एक्स लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स चलो एक बार सारे फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार सारे फिर से रिपीट कर लेते वन बाई वन इंटीगेशन साइन एक्स इंटीगेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी इंटीगेशन कॉस एक्स साइन एक्स प्लस सी इंटीगेशन टेन एक्स माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स लॉग मॉड क्या हो जाएगा लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स तो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स तो लॉग मॉड एक्स प्लस सी एक बार छ के छह फार्मूले साइन कॉस्टेन कॉशेक्स एक् कॉट इनके फिर से रिपीट करिए साइन कॉस्टैन कॉशेक्स कॉट इनके फिर से रिपीट करिए चलिए इनके फिर से रिपीट कर लेते हैं यहां पर इनके फिर से रिपीट करते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स बिना देखे लिखना है इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स जल्दी से बताओ हो। जल्दी से बताओ हो, क्या हो जाएगा कॉस एक्स सी आया माइनस लगा दो डीएक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी ये गलती से डीएक्स लिख गया ये प्लस सी प्लस सी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टेन एक्स डीएक्स ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो इंटीग्रेशन टेन एक्स डीएक्स बताओ जल्दी से इंटीग्रेशन टेन एक्स डीएक्स इंटीगेशन टेन एक्स डीएक्स जल्दी से जल्दी से लॉग क्या हो जाएगा टेन एक्स डीएक्स माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी ट इट चलो इंटीग्रेशन कॉट एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन कॉट एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा बेटा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डीएक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग मॉड कोशेक एक्स माइनस कॉट एक्स सभी सही लिखे हैं कि नहीं सभी सही लिखे हैं कि नहीं बेटा एक बार जल्दी से बताना सभी सही लिखे हैं कि नहीं आप सभी को याद हो गए कि नहीं आप सभी को याद हो गए कि नहीं इंपॉर्टेंट ये है सही लिखे हैं या नहीं फिर दूसरा आपको याद हो गए कि नहीं सभी को याद हो गए ये इसलिए मैं साथ साथ याद करा रहा हूं क्योंकि टफ होता है उतना आसान नहीं होता जितना हम मान के चलते हैं कि ये तो आराम से हो जाएगा नहीं होता ठीक है याद हो गए सभी को याद हो गए यस 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 प्रदीप तरुण गौरी सौमदीप ये क्या है भाई टीएचआर थर्टी थ्री पॉइंट पी इसका मतलब क्या है थोर नए युग की शुरुआत ये क्या है टी एच आर थर्टी थ्री पॉइंट पी ऐसे कोड मत यूज क्या करो यार चलो अब आगे बात करते हैं ये सारे याद हो गए अब इसका मतलब ये सिक्स फॉर्मूले याद हो गए इसका मतलब ये सिक्स फार्मूले याद हो गए इसका मतलब ये फोर फार्मूले याद हो गए वाओ सिक्सटीन फार्मूले तो याद हो गए अच्छा प्रियांस अरे भैया पूरा नाम रखो यार तो ये सिक्सटीन फार्मूले तो याद हो गए चलो फिर थोड़ा सा बात और कर लेते हैं अगले छह फार्मूले जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हो इसमें आपको याद है क्या इनवर्स फंक्शन का जब डिफ्रेंसिएशन करते थे तो हमारा क्या आता था हमारा कुछ वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर कभी प्लस के साथ कभी माइनस के साथ बस उन्हीं को याद कर लो उन्हीं को याद कर लो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ देखना डीएक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स साइन का है यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है यहां कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है यार ये भी सेम ये भी सेम दोनों का आंसर सेम कैसे आ सकता है बताओ गड़बड़ क्या है बताओ गड़बड़ क्या है इन दोनों का आंसर सेम कैसे हो सकता है इंटीग्रल डीएक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इसका साइन इनवर्स एक्स और इसका नीचे लिखा है माइनस कॉस इनवर्स एक्स तो दोनों में कुछ तो गड़बड़ है अब क्या गड़बड़ है मुझे एक बात बता दो बेटा मुझे लगता है यहां पर साइन मिसिंग है यहां पर साइन मिसिंग है ना ये प्लस वाला होगा और ये माइनस वाला होगा फिर ये प्लस के साथ होगा और ये माइनस के साथ होगा ये प्लस के साथ होगा और ये माइनस के साथ होगा गॉट इट हाँ ना बेटा हाँ ना बात समझ में आ गई ठीक है अब पहले वाले का इंटीग्रल इंटीग्रल डीएक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू साइन इनवर्स एक्स सर एक बात बताइए एक बात बताइए अगर ये वन की जगह सर ये ए स्क्वायर होता तो क्या होता तो आगे मैंने वो भी पढ़ाए हैं आगे मैंने वो भी पढ़ाए अगर यहां पर ए स्क्वायर होता तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाता आगे मैं वो भी फार्मूले पढ़ाऊंगा पहले सिंपल वाले पढ़ लेते हैं फिर वो हम लोग ए वाले भी पढ़ लेंगे ठीक है कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है सर यहां पर तो हमने पढ़ा था डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो पहले वो ऐसे सिंपल वाले पढ़ लो फिर वो वाले पढ़ाऊंगा चलो समझना हां यस ये जो साइन लगा है ये माइनस वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा ठीक है ठीक है गॉट इट गॉट इट गॉट इट चलो वन बाई वन पढ़ते हैं अगर हम बात करें इंटीग्रल रूट ऑफ इंटीग्रल डीएक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी जो ये साइन लगे हुए हैं ये सही लिखे हैं बस यहां वाले साइन हमने यहां शिफ्ट कर दिए हैं तो अगर हम यहां पर माइनस साइन लगाएंगे तो ये प्लस साइन हो जाएगा और या फिर हम ऐसे ही लिखा, लिखा रहने देंगे तो भी हमारे ये सही होगा अब आप समझिएगा इसका आंसर ये भी होगा इसका आंसर ये भी होगा ये माइनस साइन मैं इधर शिफ्ट कर दूं, तो ये हमारा कॉस हो जाएगा तो आप क्या करिए आप बेटा माइनस साइन को शिफ्ट करते हुए पढ़ो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए याद रहेगा ये प्लस का ये माइनस का और ये माइनस का ये वाला प्लस का इसी तरह ये वाले को प्लस कर दें इधर हम माइनस लगा दें ये वाले को प्लस कर दें तो इधर हम माइनस लगा दे चलो नोट करो सारे फॉर्मूले सारे फॉर्मूले अभी के अभी नोट करिए अभी के अभी नोट करिए सर साइन कंफ्यूज हो रहा है तो साइन हटा दो हमने सब एक जैसे कर दिए हमने माइनस इनमें लगा दिया तो एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का एक, एक माइनस का और अगर आपको याद ना आ रहा हो तो आप याद करिए डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज टू वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर तो हमने इसको उल्टा कर दिया हमने उल्टा क्या कर दिया इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी सेकेंड कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर हमने उल्टा कर दिया माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन अच्छा डी एक्स का इंटीग्रेशन तो जो होगा वो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अच्छा का क्या होता था कॉट इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर उल्टा कर दे माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा कॉट इनवर्स एक्स इसी तरह सेकर्स एक्स से क्या होता था वन अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन यहां पर उल्टा हो जाएगा इंटीग्रल डीएक्स अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इजक्वल टू सेकंड एक्स और माइनस साइन बाहर लग जाएगा तो वो कॉट इनवर्स एक्स बात समझ में आ गई क्या बात समझ में आ गई क्या ये छह के फॉर्मूले चलो एक बार बिना देखे याद करने का ट्राई करते हैं एक बार बिना देखे याद करने का ट्राई करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दूसरा इंटीग्रल माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी तीसरा इंटीग्रल वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स इजक्ल टू

चलिए छह के छह फॉर्मूले याद हो गए पहले छह फिर छह टिगोनोमेट्रिक फिर चार बचे हुए टिगोनोमेट्रिक फिर इन्वर्स वाले चलो ये याद हुए हा या ना हा या ना याद हुए कि नहीं टोटल फार्मूले कितने हो गए ट्वेंटी टू चलो और छह फार्मूले की बात करते हैं पहले तीन फार्मूले ये वाले पहले तीन फार्मूले सेम टू सेम वही फंक्शन है बस वन की जगह हमने ए स्क्वायर ले लिया क्या इंटीग्रल वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्स क्या होता था साइन इनवर्स एक्स प्लस सी यहां पर हमारा ए स्क्वायर और आ गया है ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी साइन यूनिवर्स एक्स बाई ए प्लस सी फिर उसमें भी सेम फार्मूला माइनस बाहर लगा दिया था सारा का सारा वही है बस वन की जगह ए स्क्वायर पुट कर देना है बस आपका चेंज क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी चलो इन दोनों में बेटा सिर्फ और सिर्फ जो एक्स होता है उसके एक्स में ए का डिवाइड और कर देते हैं एक्स को एक्स बाई ए से रिप्लेस कर देते हैं और कोई चेंज नहीं होगा और कोई चेंज नहीं होगा लेकिन जब हम अब अगले फॉर्मूले की बात करेंगे तो यहां पर one one था, one को हमने से रिप्लेस कर दिया तो ये ए प्लस सी और टेन में वन बाई ए का मल्टीप्लाई और होगा टेन में वन बाई ए का मल्टीप्लाई और होगा सर डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो डिनिनेटर में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो तो उसको सॉल्व करेंगे उसको अलग से सॉल्व करेंगे है ना अभी तो आप ऐसे कितने भी फंक्शन बोल सकते हो सर ये है तो अरे अभी पेशेंस रखो भाई अभी तो हम जितने बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले पढ़ रहे हैं इनकी बात करेंगे इनके अलावा जो भी फंक्शन आएगा उसको सॉल्व करके निकालेंगे अभी तो हमने स्टार्ट किया है ना जस्ट चलो अच्छा ये तीन फार्मूले आ गए तीन फार्मूले आ गए इन तीनों फार्मूले को सर एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजक्ल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजक्ल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी फिर इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स एक्स टू वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स एक्स टू सेम टू सेम वन बाई ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी वही है क्या माइनस साइन लग गया था तो माइनस की वजह से टेन की जगह कॉट हो गया बाकी पूरा वही है क्या वन बाई ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी ये भी सब वही है बस वन की जगह ए स्क्वायर वन की जगह ए स्क्वायर आ गया ये वाला हमारा क्या था? बस A और एक्स को एक्स बाई ए ये, ये छह फार्मूले आपको और याद हो गए टोटल फार्मूले कितने हो गए ट्वेंटी एट टोटल फार्मूले कितने हो गए ट्वेंटी एट क्या बेटा ट्वेंटी एट के ट्वेंटी एट फार्मूले बिना देखे हम एक पेज में एक बार में लिख सकते हैं क्या ट्वेंटी एटोल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बिना देखे एक साथ एक पेज में एक सांस में लिख सकते हैं क्या एक सांस नहीं दो चार सांस हो जाए तो भी चलेगा लेकिन लिख सकते हैं क्या ट्राई करिएगा इस सेशन के बाद में और ईमानदारी से मुझे अगली क्लास में कल के लिए बताइएगा किसने कितने फार्मूले सही सही लिखे हैं ठीक है ठेके? चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते अभी खत्म नहीं हुआ अभी खत्म नहीं हुआ आगे बढ़ते चलो अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं जस्ट समझते जाएगा टाइम लगेगा टाइम लगेगा टाइम लगने दो बस गलत मत होने देना यकीन मानो जब आप 28 फार्मूले सबके सब सही सब लिख दोगे एक भी गलत नहीं होंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपको लगेगा कहां यार इंटीग्रेशन नहीं आता था आज इतने बड़े-बड़े फार्मूले मैं एक साथ लिख दे रहा हूं वो भी बिना देखे लिख दे रहा हूं मजा आएगा बोलो तो लिखे बोलो तो मैं भी लिखूं बोलो तो मैं भी लिखूं अगर आप खुद से कर लें तो नहीं अब मैं नहीं लिखूंगा 25 से नीचे गया मतलब मैं नहीं लिखूंगा फिर 25 हो गया ठीक है आप ट्राई करिएगा आप ट्राई करिएगा बड़ा मजा आएगा बड़ा मजा आएगा और ये मजा अभी तो सिर्फ और सिर्फ वो वाला आएगा कन्याकुमारी से कश्मीर वाला आएगा और अगर आपको मन की बात का मजा लेना है तो चलो कुछ क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर वो वाले मजा लेते हैं मजा इंपॉर्टेंट है चाहे आप आलू से सोना बनाओ चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलो और चाहे मन की बात करके और चाहे पंद्रह लाख हमारे अकाउंट में आए बट मजा आना चाहिए है ना चाहे पंद्रह लाख हमारे अकाउंट में आए बट मजा आना चाहिए चलो तो मजा लेते हैं मान लो कि पंद्रह लाख नहीं आए बट ट्वेंटी एट फार्मूले तो आ गए हमारे अकाउंट में चलो तो ट्वेंटी एट फार्मूले के मजा लेते हैं थोड़ी देर चलो समझते हैं समझते हैं हाँ लेकिन 28 में से कोई भी फार्मूला भूल जाना ना तो अपने वापस कॉलेज में जाके खड़े होके इस सेशन की बुराई मत करने लगना कि हे मुझे तो साइलेंसर ने मारा मेरा फोन भी उन्होंने टैप करवा लिया उसमें बेगासस लगवा दिया और मुझे जीने का हक नहीं है मुझे 28 एट फार्मूले याद नहीं हुए रोने मत लगना अपने पुराने कॉलेज में जाके बात याद रखना चुपचाप इसको दोबारा रिपीट करना और घर की बात अपनी बात अपने बीच में रखना और इसको 28 के 28 एट फार्मूले बिना देखे लिखना लेकिन रोने मत लगना जाके चलो आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं इंटीग्रल ऑफ दी इंटीग्रल ऑफ दी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस इ टू दी पावर टू एक्स प्लस साइन एक्स डी चलो सॉल्व कर लेते चलो सॉल्व कर लेते हैं सॉल्व कर, कर लेते हैं अभी रुक जाओ राफेल साथ में है और ब्रह्म ब्रह्मोस आने वाली है अभी रुक जाओ ब्रह्मोस आने वाली है ना ब्रह्मोस आप लोगों को दूंगा सॉल्व करने के लिए सर सियारी यूट्यूब में भी शुरू करो ना मैथमेटिक्स में इतने बच्चे आ रहे हैं सियारी में तीन बच्चे आएंगे क्या बोलेंगे सर आपका जो सियारी का पूरा कोर्स पढ़ा है ना हम वहां से पढ़ लेंगे आपको लगता है भारत आपको लगता है मैं सियारी पढ़ाऊंगा और बच्चे लाइव आएंगे बच्चे क्या बोलेंगे सर जो एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ना बेस्ट है और ये रियल बताऊं यूट्यूब की अब तक की और आगे आने वाले दस सालों तक की बेस्ट प्ले है प्लेनेट गेट में अगर आपको नहीं मिल रही तो मुझे बता देना एक मैसेज में सारी लिंक आपको मिल जाएंगे मुझे पर्सनली मैसेज करना मैं आपको वो लिंक दे दूंगा अगले दस सालों तक वैसी यूट्यूब में कोई प्लेलिस्ट नहीं बना सकता चैलेंज है कोई प्लेलिस्ट नहीं बना सकता मेरा देख देख के पढ़ पढ़ के भी नहीं पढ़ा सकता चैलेंज है अगले आने वाले दस सालों तक किसी में हिम्मत हो तो करके दिखाई ठीक है तो वो बेस्ट है यार अब उसको और बेस्ट करने की नीड नहीं है और बेस्ट पाना है तो धीरे से अपने अकाउंट से थर्टी फोर का ट्रांजेक्शन करो कोड एसके एस फाइव जीरो यूज करो और क्वाइंस रिडीम करना मत भूलना नहीं तीन चार पांच सौ का लॉस कर लोगे और अगले दिन से सिया का लेक्चर ज्वाइन कर लो आज के दिन में पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को थेरी का डिटेल कॉन्सेप्ट तो आके चुपचाप ज्वाइन कर लो चलो अब देखते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं हंसने में मत करो करो यार सॉल्व कर लिया इज इक्वल टू क्यूब का क्या हो जाएगा सर पावर में थ्री है तो एक बढ़ा देंगे और उसका डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू रख देंगे एक्स टू दावर फोर बाई फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस ई टू दावर एक्स का क्या हो जाएगा

डिफनाइट In इंटीग्रल था पूरे को ब्रैकेट लगाइए प्लस सी और लिख दीजिए बात खत्म एक्स टू माइनस एक्स क्यूब प्लस ई टू एक्स बाई टू अच्छा गलती हो गई एक डिवाइड होता है और डिफ्रेंशन में मल्टीप्लाई होता है ई टू दी पावर टू एक्स बाई टू होगा माई फॉल्ट माय फॉल्ट जल्दबाजी में मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है और डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई होता है राइट 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 बिल्कुल सही बिल्कुल सही चलो तो फिर ये इजी इजी क्वेश्चन मत दो सर ठीक है एजी इजी नहीं थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करते हैं लेकिन उससे पहले सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन सर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब क्या है स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब ये है कि अगर बेटा इंटीग्रेशन में दो फंक्शन ऐसे लिखे हों एफ एक्स प्लस माइनस एक्स तो ये बेटा उन दोनों को अलग अलग इंटीग्रल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स एक्स बीच में प्लस है तो प्लस लगाइएगा माइनस है तो माइनस लगाइएगा और इंटीग्रेशन जीएक्स डीएक्स बात समझ में आ गई चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नोट हो गया नेक्स्ट कभी भी बेटा कभी भी बेटा अगर ऐसा दिया हो कि डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा एफ एक्स ठीक है प्लस C. तीसरा अगर कभी भी इंटीग्रल में एक कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में हो तो हमेशा के को बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स अगर हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो क्या हम उसको अलग अलग लिख के बीच में मल्टीप्लाई लगा सकते नहीं सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस को कर सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा नहीं कर सकते याद रखिएगा तो चलो फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक इजी सा सिंपल सा अच्छा था अच्छा सा प्यारा सा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूज द इंटीग्रेशन फॉर्मूला एंड फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रल टू टू पावर एक्स प्लस थ्री टू पावर एक्स अपॉन फाइव टू पावर एक्स डी एक्स चलो चलो ब्रह्मोस वन ब्रह्मोस वन सॉल्व कर लिए सॉल्व करिए जल्दी से करिए और मुझे इसका आंसर बताइए करो भाई कर लो यार कर लो इजी इजी से है ना नहीं तो बाद में पेन होगा कि यार ये भी नहीं कर पाए हम कर लो बहुत इजी सा है सर कैसे कर ले वो तो बताइए ऐसा आपने कोई फार्मूला ही नहीं लिखाया ऐसा तो सर आपने कोई फॉर्मूला नहीं लिखाया तो मैंने जो फार्मूला लिखाया है उसको वैसे ही कन्वर्ट कर लो सर कैसे फार्मूला लिखाया है अच्छा बताना चलो मैं सॉल्व करता हूं इंट इज इक्वल टू इंटीग्रल बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या टू टू दावर एक्स अपॉन फाइव टू दावर एक्स प्लस थ्री टू दावर एक्स अपॉन फाइव टू पावर एक्स डीएक्स इजक्ल टू ये बीच में प्लस है दोनों को अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन ये बेटा फाइव टू टू पावर एक्स और फाइव टू पावर एक्स तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या टू बाई फाइव टू पावर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या थ्री बाई फाइव एक्ट्रेक्स डी एक्स ओ हो तो ए टू पावर एक्स है ए टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ए टू पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस इसका ए टू पावर एक्स क्या हो जाएगा ए टू पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी बोलो बच्चा बोलो बच्चा सही है क्या बोलो बच्चा सही है क्या आंसर यही आएगा क्या टू बाई फाइव टू पावर एक्स अपॉन एल एन टू बाई फाइव प्लस थ्री बाई फाइव टू दी पावर एक्स अपॉन एल एन थ्री बाई फाइव प्लस सी बोलो बच्चा आंसर यही आएगा क्या कर पाएंगे क्या ओके ओके, सो आप ऐसा एक सॉल्व कर लेंगे और करके आप ऐसे आंसर निकाल लेंगे बट इट किसी को कोई डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है मैं बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा मैं तो बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ एक एक स्टेप एक एक चीजें क्योंकि बेटा जिसको आता होता है ना उसको तो लगता है सर कितना स्लो पढ़ा रहे हो लेकिन जिसको नहीं आता उसके दिल से पूछे और मैं एक वो टीचर हूं जो सबको एक साथ लेके चलेंगे क्योंकि जो फास्ट चल रहा है उसको तो स्लो कर सकते हैं लेकिन जो स्लो चल रहा है उसको जब तक चीजें रियलाइज नहीं हो जाएंगी ना उसको फास्ट नहीं कर सकते लेकिन अगर आज हम उसके लिए रुक गए आज धीरे धीरे चल दिए यार वो हमेशा बात मानेगा आपकी है ना वो जब आपको नीट पड़ेगी तो आपके साथ तेज भी चल देगा तो ठीक है आज थोड़ा सा धीरे चल लेते हैं फिर तेज भी चल लेंगे तो चलो अगला क्वेश्चन ये देखिए सर ये क्या है ये कॉस स्क्वायर है कि टू एक्स है आपको क्या दिख रहा है ये मल्टीप्लाई में स्क्वायर होता तो ऊपर लिखा होता फंक्शन क्या है कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स सर दोनों को अलग अलग कर ले आपकी मर्जी यार आपकी मर्जी जैसे करना है वैसे करके देखो और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ हो। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ हो। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी इसे मुझे इसका आंसर बताइए ठीक है और अब ये सीरीज अब ये सीरीज बेटा आपका सैटरडे संडे ही चलेगा और सैटरडे संडे चलेगा तो मैं क्या इसका टाइमिंग नौ बजे से कर सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है जब आठ बजे हमने स्टार्ट किया था तब बच्चे नहीं थे जब नौ बजे हम नौ बज चुका था तब बच्चे की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी तो क्या हम इसको नौ बजे से शिफ्ट कर सकते हैं बेटा हाँ सैटरडे संडे दोनों दिन चलो आज की स्ट्रेंथ कल के सेशन की गवाही तो दे रहे हैं तो कल तो सेशन होगा और लेकिन कल का टाइमिंग आठ बजे ही रहेगा कल का टाइमिंग आठ बजे ही रहेगा ये साढ़े आठ कर दूं ये साढ़े आठ कर दूं और फिर अगले वीकेंड से अगले वीकेंड से इसका टाइमिंग चेंज कर देंगे और टाइमिंग रखेंगे हम लोग नौ बजे से ठीक है चलो एक्स होगा इसका आंसर चलो करते हैं करते हैं क्योंकि मुझे लगता है नौ बजे तक सारे लोग उठ जाएंगे है ना बीटेक वाले महाआलसी लोग होते हैं मोस्टली स्टूडेंट तो वो कम से कम नौ बजे तक जग जाएंगे शर्म करना यार जग जाना नौ बजे ठीक है और सारे लोग होना अगर नौ बजे से करें और अगर यहां पर चालीस बच्चे लाइव प्रेजेंट रहे मजा आ जाएगा फिर तो चलो एट थर्टी तो कल के दिन कल के दिन क्या करें कल आठ बजे से ही रखते हैं कल आठ बजे से ही रखते हैं ठीक है फिर उसके बाद संडे को देखेंगे फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वीकेंड में नौ बजे से कर देंगे चलो ठीक है तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करें बेटा कैसे सॉल्व करें मेरे तो नहीं समझ में आ रहा अच्छा चलो कुछ करते हैं सर जब समझ में ना आए ना तो आप प्लीज आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं अरे बोल दिया करो यार सर आप आगे बढ़िए हम आपके साथ कल से ही नौ बजे कर दीजिए सर एक्चुअल में कल नौ बजे मैं पूछ के बताता हूं कल एक्चुअल में एक मैंने टाइम दे रखा है किसी को ठीक है तो कितने बजे मैं कंफर्म कर लेता हूं और फिर आपको अभी बता दूंगा कल का टाइमिंग चलो है ना कम से कम मेरे साहस के लिए बोल दिया करो सर आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं साथ हो ना सब लोग चलो बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ते हैं सब लोग साथ हो मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूं ठीक है मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरा साथ दोगे टू इंटीग्रेशन क्या लिखा है एक्स। अच्छा ये टू एक्स क्योंकि जब हम अपनी कार बाइक निकालते हैं ना आगे निकलने के लिए अपने फाइनल डेस्टिनेशन जाने के लिए तो जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए निकलेंगे तो क्या आपको पूरा रास्ता सीधा दिख रहा होता है नहीं लेकिन जब हम कार या बाइक चलाने लगेंगे साइकिल चलाने लगेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे रास्ता हमें मिलता जाता है और अगर भटक जाएंगे तो बैक आके फिर से चेक कर लेंगे अगर भूल जाते हैं रास्ता तो वापस क्या करते हैं वापस क्या करते हैं वापस आ जाते हैं ना तो वापस आ जाएंगे चलो मूव करते हैं कॉस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस कॉस टू एक्स बेटा तो एक बात बताओ कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स का फॉर्मूला आपको याद है क्या टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन अपॉन ये क्या बचेगा वन माइनस कॉस एक्स ओके ये क्या हो जाएगा डी एक काम करते हैं पहले इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन तो बाद में कर लेंगे तो ये हमारा क्या गया कॉस एक्स और माइनस का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है और माइनस माइनस प्लस वन ओके अब इसको कैसे सॉल्व करें एक बात बताओ बेटा मैं इसको ऐसा लिख दूं माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स को मैं लिख दू माइनस टू कोश एक्स प्लस कॉस एक्स ठीक है तो ये तो प्लस का था तो इसको प्लस कर दो इधर माइनस लगा दो इधर माइनस लगा दो प्लस वन बताओ मैंने कुछ गलत लिखा क्या बेटा ये माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स तो माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस एक्स था प्लस का तो हमने प्लस टू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इसका वैल्यू कितना आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वन कुछ गलत तो नहीं किया अच्छा इसमें अगर मैं टू कॉमन ले लू इसमें या मैं माइनस टू कॉमन ले लू तो हमारा क्या बचेगा यहां पर यहां पर बचेगा माइनस टू क्यों कॉमन लो माइनस टू कॉस एक्स कॉमन लो मैं यहां पर क्या कॉमन ले लू माइनस टू कॉस एक्स तो माइनस टू कॉस एक्स तो ये क्या बचेगा कॉस एक्स और यहां पर क्या बचेगा माइनस वन ठीक है अगर बेटा मैं यहां पर माइनस वन कॉमन ले लू ये क्या बचेगा कॉस एक्स माइनस वन अगर मैं दोनों में कॉस एक्स माइनस वन कॉमन ले लू कॉस एक्स माइनस वन कॉमन ले लू तो ये क्या हो जाएगा ये बचेगा माइनस टू कॉस एक्स माइनस वन और ये दोनों का माइनस मैं बाहर कॉमन ले लू तो माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वन और यह हो जाएगा टू कॉस एक्स प्लस वन और अगर ये माइनस का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स और ये क्या हो जाएगा टू कॉस एक्स प्लस वन चलो इज इक्वल टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये ऊपर वाला क्या आ गया ये आ गया वन माइनस कॉस एक्स टू कॉस एक्स प्लस वन ये क्या गया वन माइनस कॉस एक्स और टू कॉस एक्स प्लस वन अपॉन में क्या था वन माइनस कॉस एक्स और डी एक्स इससे ये कैंसिल इज इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लिया कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी आंसर क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ मुझे आंसर क्या हो जाएगा टू साइन एक्स प्लस एक्स प्लस सी बात समझ में आ गई समझ में आ गया आंसर आ गया किसी को कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से कमेंट करो क्या ही तो क्वेश्चन था देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था लेकिन जब सॉल्व किया तो कितना इजीली हो गया इसका मतलब क्या है इसका मतलब जब भी बेटा आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं आपको अपना डेस्टिनेशन आपको अपनी मंजिल शुरू से नहीं दिखाई देती लेकिन जितना कॉन्फिडेंटली आप आगे मूव करते जाते हैं उतना ही आप मंजिल की तरफ पहुंचते हैं और लाइफ में अगर चलते टाइम अपने आप मंजिल से डिस्ट्रैक्ट हो जाए कभी दूर हट जाए कभी रास्ता भटक जाए तो सही गाइडेंस में मूव करना स्टार्ट कर दीजिए किसी से पूछ लीजिए किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछ लीजिए और अपनी गलती को वहीं पर सुधार करके फिर अपने सही पाथ पे आ जाइए गलत पाथ पर आगे मत जाते जाइए नहीं तो आपका टाइम आपका फ्यूल दोनों वेस्ट होंगे मतलब आपका पैसा और आपका टाइम दोनों बर्बाद होगा और गेट में रैंक नहीं आएगी अगर कभी भूल जाओ तो अपनी भूल को सुधार करो सही गाइडेंस में मूव करो अगर किसी ने कोई भी गलती कर दी है किसी ने कोई भी गलती कर दी है अभी तक अगर आप मेरे गाइडेंस में नहीं मूव कर रहे हो अभी भी मौका है कोड लगा लो एसके गलती से दूसरा कोड लगा लिया है चलो यार माफ किया अब आ जाओ अब मेरे गाइडेंस में मूव करो बस इतना याद रखना अब आपका कोई फ्रेंड ले तो गलत कोड ना लगे बस ठीक है और अब आ जाओ ये गलत है क्या क्या बेटा गेमर्स क्या गलत है क्या सर सिंपल फर्स्ट लाइन में ही कॉस एक्स कॉमन लेकर वन माइनस कॉस एक्स <laughs> पहली लाइन में कॉस एक्स कैसे कॉमन ले लोगे ये कॉस एक्स है यह कॉस टू एक्स है ये कॉस एक्स है वो कॉस टू एक्स है कॉमन नहीं ले पाओगे तन्मय मैंने आपको याद किया था अपनी क्लास में ठीक है चलो जैसे ही सेमेस्टर एग्जाम ओवर हो वैसे ज्वाइन करना ठीक है चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात करते हैं एक और क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन देखिए समझिए पढ़िए और आंसर करिए निश्चित ठीक है नहीं मैं मैं पढ़ाता ऐसे हूं कि कुछ भूले ना तो फिर कोर्ट कैसे भूल सकता है फॉर्मूला एंड फाइन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फाइव प्लस फोर साइन में पता है नहीं करता। लेकिन जितना कोड मेरा लगता है मैं उतना आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ पाता हूं मैं उतना आप लोगों के लिए आपको नहीं पता होता आपके हक की बातें कर पाता हूं उतना अपने मैनेजमेंट के सामने स्ट्रोंगली आप लोगों की बात को रख कर उनको फेस कर पाता हूं इसलिए इंपॉर्टेंट है और सिंपल सी बात है कोड नहीं लगाओगे तो पता नहीं मैं फिर रहूंगा यहां पर नहीं होगा और अगर मैं नहीं होगा तो फिर आपके कोर्स का मतलब ही क्या है है ना किसी को दो हजार का एक हजार का फायदा हो जाएगा किसी को अमेजन का बाउचर मिल जाएगा किसी को थोड़ा सा अपने पैसों का फायदा हो जाएगा लेकिन उसके बाद पता चलेगा कि सैलेंसर है ही नहीं सुमित सर है ही नहीं अंकुर सर है ही नहीं तो पढ़ोगे किससे उनसे जहां से रैंक नहीं प्रोड्यूस होगी फिर क्या करोगे फिर अगले साल हमारे पीछे घूमते हुए आओगे तो इसलिए बेस कंटेन के साथ मुक करो यार चलो इसको सॉल्व करो कैसे सॉल्व करें सर इसको कैसे सॉल्व करें चलो आज इतने ही रखते हैं ये आप लोगों को मैं आप लोगों को अब कुछ असाइनमेंट देता हूं और कल डिस्कस करेंगे ठीक है असाइनमेंट देता हूं कल डिस्कस करेंगे वैसे तो प्लान ये था कि सैटरडे संडे तीन तीन घंटे पढ़ाऊं लेकिन आप लोगों की तीन घंटे लाइक स्ट्रेंथ नहीं है तो ट्राई करिए कोई बात नहीं ट्राई करिए है ना आप जैसे ही थर्टी प्लस बने रहेंगे मैं आगे खींचता रहूंगा ठीक तो चलो आज फिर भी अब ये सीरीज आज की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आगे मूव करेगी और आपने कल का और नेक्स्ट वीक के सैटरडे का इतना गेन कर लिया है आज की स्ट्रेंथ से तो अभी दो सेशन तो होंगे एक कल का और एक अगले वीक के सैटरडे का ठीक है चलो तो एक असाइनमेंट में आप इसको नोट कर लीजिएगा इंटीग्रल फाइव प्लस फोर कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एक और क्वेश्चन नोट करिए कर, कर, कर एक और क्वेश्चन नोट करिए इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स ये सारे याद करने पड़ेंगे किसने बोला याद करो सिर्फ फार्मूला जो ट्वेंटी एट आज मैंने याद कराए उनको याद करो कल के दिन जब आप आएंगे वो ट्वेंटी एट के ट्वेंटी एट फार्मूले याद होने चाहिए सभी को हर एक बच्चे को ठीक है कल के दिन वो सारे फार्मूले ये सब थोड़ी याद करने यार ये सब तो क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन है इनको क्यों याद करना है इनके बस तरीके समझने हैं जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा सर प्रैक्टिस कहां से करें भैया गूगल प्ले स्टोर में जाओ एन का ऐप डाउनलोड करो वहां पर आप क्लास इलेवन ट की मैथमेटिक्स की बुक डाउनलोड करो और जहां पर इंटीग्रेशन दिया है उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो सब हो जाएगा सब हो जाएगा ठीक है चलो एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन इंटीग्रल साइन टू दॉर फोर एक्स टी जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान है नहीं बेटा ठीक है कल सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा पहले पहले फॉर्मूले आपसे पूछूंगा फिर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा फिर आपको इंटीग्रेशन के रूल्स बताऊंगा ठीक है मैं आपको कल पढ़ाऊंगा मैथड्स ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन जो प्रोडक्ट रूल होता है इंटीग्रेशन जो डिवाइड रूल होता है इंटीग्रेशन रेशनल फंक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन होता है तो जितने भी मैथ होते हैं वो सारे मैथड आप पढ़ते तो हो लेकिन स्टेप बाय स्टेप वन वन बाय सारी चीजें आपने नहीं पढ़ी मैं आपको वन वन बाय बाय स्टेप स्टेप हर एक चीज पढ़ाऊंगा और जब ये सीरीज फिनिश होगी आपको अंदर से फील आएगा सर मजा तो आया सर गेन तो किया हमने अब हमारा केमिकल इंजीनियरिंग के बेसिक क्वेश्चन जहां पर मैथमेटिक्स यूज होगी वो नहीं फंसेगा ये कंफर्म है चलो तो एक और क्वेश्चन cos टू द पावर 4x dx cos टू द पावर 4x dx एक और क्वेश्चन बस इतने बहुत है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन कल पहले वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग के 10 मिनट फार्मूला डिस्कस करेंगे 28 फार्मूला पूरा एक बार बिना देखे लिखेंगे टाइम से ज्वाइन करना साथ-साथ मूव करना जो बताए साथ-साथ करते जाना देन इसके बाद जो फार्मूले दिए तो अगले हाफ एन आवर में वो सारे फार्मूले सॉरी वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे देन इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है बस एक बार मुझे पूछ लेने दो कल के टाइमिंग के लिए तो सर को किस टाइम बुलाया ठीक है बेटा कल का टाइम जो रहेगा वो आ रहेगा आपका 8:30 कल का जो टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 8:30 थर्टी ए एम कल का टाइम आपका 8:30 थर्टी ए एम सर क्वेश्चन सर एक बार बताया प्लीज कौन सा क्वेश्चन अरे भैया कौन सा क्वेश्चन एक ये है कॉस टू दावर फोर एक्स एक है साइन टू दावर फोर एक्स एक ये साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और एक ये फाइव प्लस फोर कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स वन टू थ्री फोर ये आपके असाइनमेंट है इनको कल डिस्कस करेंगे गॉट इट ठीक है चलो सर लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार मैंने बता तो दिया मैंने बता तो दिया लास्ट वाला है कॉस्ट टू पावर फोर एक्स ठीक है चलो टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी होंगी रफ एस्टिमेट बता दो केसों अपना बेस्ट एफर्ट दो टॉप हंड्रेड रैंक लाने का ट्राई करो बाकी आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर जैसे हमारा 2022 में वैकेंसी आई उतनी वैकेंसी तो हमें इस बार भी नहीं लग रहा कि 23 में आएंगी लेकिन हाँ काफी आएंगी 24 में थोड़ा कम होंगी बट उतनी कम नहीं होंगी लेकिन 25 में अपॉर्चुनिटी आपकी काफी कम हो जाएंगी तो ये सबसे गोल्डन पीरियड था 22 और 23 24 में 22 और 23 के कंपरिजन वैकेंसी तो कम रहेंगी ये मेरा रफली एस्टिमेट है मेरा एक्सपीरियंस है बाकी बेटा ज्यादा भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कोई ऐसी स्कीम आ जाए है ना मोदी जी बोल दें कि यार ऐसा करो बार के दस सेंटर और लगा दो तो बार के में दो सौ वैकेंसी आ जाए आईओ के सारे प्लांट को एक्सटेंड कर दिया जाए अब वहां पर आ जाए आ गए ठीक है तो वैसे भी बेटा अब जितना भी आपका ये पेट्रोलियम वाला प्रोडक्ट है वो कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक की तरफ और हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होगा ठीक है हमारे पास अब कुछ यूरेनियम मिल गया है तो हम लोग कुछ उसकी तरफ मूव करेंगे कुछ हमारे पास निकल मिल गया है तो हम लोग कुछ बैटरीज की तरफ शिफ्ट करेंगे सेमी कंडक्टर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो जो हमारा ये पेट्रोलियम वाला स्कोप था ये स्कोप आने वाले फ्यूचर में तो कुछ कम होगा लेकिन एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा अब न्यूक्लियर वाला बढ़ रहा है हमें यूरेनियम का कुछ पता चल गया है तो उसका स्कोप बढ़ेगा अगर उसका स्कोप बढ़ेगा तो भी हमारा बेनिफिट है तो क्या एक प्रॉब्लम है ना ये सारी चीजें छोड़ दो कि आगे वैकेंसी कितनी आएंगी बस एक काम करो एक सीधा पाथ जैसे आपने देखा है घोड़े को जब दौड़ाया जाता है तो उसके आंखों के सामने ऐसे लगा दिया जाता है कि वो इधर उधर देख ही ना पाए उसको सामने रास्ता दिखे और वो सीधे भागता चला जाए अगर आपको डिस्ट्रक्शन से बचना है तो इस मन के अंदर इस कान में जो फालतू चीजें सुनते हो इस मन में जो फालतू चीजें आती हैं, इन आंखों में जो इधर उधर का देखते हो घोड़े की तरह बस ऐसे लगा लो एक सीधा पात देखो मूव करते चले जाओ आपका एक एम होना चाहिए इसी साल मंजिल हासिल करनी है टॉप हंड्रेड रैंक लानी है दैट इट क्लियर और कुछ नहीं और कुछ नहीं टॉप हंड्रेड रैंक लानी है बस टॉप हंड्रेड रैंक लाना कितना आसान है इस बार अभी तक लगभग चालीस बच्चे के आसपास तो मुझे स्कोर कार्ड भेज चुके हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका अभी मैं मैसेज नहीं सीन कर पाया हूं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फोन करके बता दिया खुशी में लेकिन स्कोर कार्ड भेजना भूल गए तो 40 तो स्कोर कार्ड मेरे पास पड़े हुए हैं जो टॉप हंड्रेड है ठीक है वो मेरे पर्सनल स्टूडेंट है मेरे से पढ़े हुए है इस प्लेटफॉर्म पे पढ़े हुए हैं चालीस तो वो बच्चे और बाकी और कितने होंगे कम से कम इस बार फिफ्टी प्लस रैंक है बेटा टॉप हंड्रेड से इस अनएकेडमी प्लेटफॉर्म में यूट्यूब और प्लस को मिलाकर बस ऐसे ही आपको रैंक प्रोड्यूस करनी है देखो सिलेक्शन होगा आपका ठीक है चलो सर ऐसे डराए मत मैं तो आपको रियलिटी बताता हूं बाकी आपको डर लगता है तो भाई आपकी दिक्कत है ठीक है चलो और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए फाइव ईयर में अरे मेरी यार लीथियम का बहुत बढ़ेगा अरे मेरी दुआएं भगवान करे गॉड करे कुछ ऐसा हो कि सबके घर में एक एक बड़ा सा कोहनूर डायमंड मिल जाए हम सबके घर में पानी के बजाय पेट्रोल निकलने लगे है ना जो भी हमारे पास आसपास ये काला सागर है उस काले सागर में नमक की बजाय लिथियम और यूरेनियम निकलने लगे ठीक है तो मेरी दुआएं हैं बाकी मेरी दुआओं से कुछ नहीं होगा जो होना होगा वही रियलिटी होगा अगर मैं दुआ दे दूं कि भगवान करे आईओसीएल अगले साल एक हजार वैकेंसी निकाले तो मेरे दुआ से कुछ नहीं होगा जो आनी होंगी वही आएंगी जितनी रिक्रूटमेंट होगी जितना रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही रिक्रूटमेंट होगी ठीक है तो मेरे दुआओं से कुछ नहीं होगा बस आपकी मेहनत से बहुत कुछ होगा अगर आप मूव करना स्टार्ट किए ठीक है तो सबसे पहले ज्वाइन करिए प्लस और में आ जाइए सीआरई वन का लेक्चर नंबर फाइव आज कंटिन्यू करूंगा ऑफर का आज लास्ट डेट है एस के एस फाइव जीरो और अगर आप सच में मेरे स्टूडेंट है मेरी रिस्पेक्ट करते हैं तो कम से कम यार मेरा सपोर्ट करो अगर मेरा सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आपका सपोर्ट कैसे कर पाऊंगा मैं ही नहीं रहूंगा तो मैं सपोर्ट कैसे कर पाऊंगा इसलिए कोड एस के एस फाइव जीरो लगाने के लिए बोलना बोलना आप साइलेंसर की पर्सनल गाइडेंस में सपोर्ट में मूव करेंगे न्यू बैच ज्वाइन करेंगे सीआरई से स्टार्ट करेंगे सीआरई एफ या सीआरई मास दो में से कोई भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए और अगर अभी भी मिस कर दिए तो आपका थर्टी फर्स्ट मार्च से टेन परसेंट का जो राइज होना है वो और कॉस्टली हो जाएगा कोर्स और आपका फोर थाउजेंड आपको और ज्यादा देना पड़ जाएगा इसलिए मेरे गाइडेंस में मूव करने के लिए कोड यूज करिए और इस तरह के कुछ रैंक निकाल दो ना यार अगले साल निकाल दो चार पांच लोगों की टॉप वन रैंक आ जाए है ना पहली रैंक आ जाए सर क्या पॉसिबल है हां अगर पांचों बच्चों के सेम मार्क्स आ गए तो पांच बच्चों की पॉसिबल है इस बार ए आई आर नाइनटी सेवन पांच बच्चों की है नाइनटी सेवन पांच बच्चों की है इस बार इसी तरह कई सारी रैंक है जो कई सारे ए आई आर थर्टी सेवन शायद तीन बच्चों की है ठीक है ए आई आर फोर या ए आई आर सिक्स हाँ ए आई आर सिक्स दो बच्चों की है ए आई आर फोर भी शायद दो बच्चों की है कुछ ऐसा है एग्जैक्टली ठीक है तो ए आई आर वन भी क्यों नहीं चार बच्चों की हो सकती अगर चारों के सेम मार्क्स आ जाए यार निकाल दो ना कुछ मजा आ जाएगा चारों के एक साथ ऐसे यहां पर है ना चार लोग खड़े होंगे और हम तीन उनके साइड में खड़े होंगे और ऐसे आप लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे होंगे ट्रॉफी दे रहे होंगे मजे ही आ जाएगा ना और ये चारों आई आर वन हो जाए तो कितना मजा आ जाए चलो बेस्ट एफर्ट देते रहिए और चारों हमारे साथ खड़े हों आप व्हाइट टी शर्ट में हम लोग ब्लैक टी शर्ट में क्या ही तो सीन लगता है यार है ना इतना तो मैं कब कभ, पहले कभी नहीं मुस्कुराया किसी भी पिक में हमेशा गुस्से वाली मेरी पिक लगी होती है ऐसे करके पहली बार तो हंसी आई है यार सुमित सर को देखो इनको देखो अच्छा इन बच्चों को देखो सब यार खुशियां देख रहे हो अंकुर सर को देखो है ना अंकुर सर ने तो एकदम ऐसे कर रखा है ये कभी नहीं हटाएंगे ऐसे ही करके रखेंगे आजकल कर पढ़ाते भी ऐसे करके मास ट्रांसफर या सीटी ठीक है तो सर ने तो बोला था तो मैं ऐसे ही करके रखूंगा समझ रहे हो तो ये फीलिंग जो होती है उस फीलिंग के लिए आपको पढ़ना है यार उस फीलिंग के लिए कुछ करना है नथिंग विल वर्क अंटिल यू डू जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है आपको स्टार्ट करना पड़ेगा आपको स्टेप लेना पड़ेगा और मंजिल तक तभी पहुंचते हो जब आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते हो बढ़ना स्टार्ट तो करो इस बार नहीं पहुंचे अगली बार पहुंचेंगे लेकिन रेंगना स्टार्ट स्टार्ट तो तो करो करो यार चलना तो करो। नहीं उड़ पाओगे चलेगा आधी मंजिल तक तो पहुंचोगे अगली बार अगली मंजिल पहुंच जाओगे तो कम से कम कोशिश करना इंपॉर्टेंट है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और याद रखिएगा किस्मत का तो नहीं पता अपन को यार लेकिन मेहनत पे बिलीव करते हैं हम मेरी किस्मत इतनी बेकार है इतनी बेकार है जो हम लोग अपने वर्ड्स में बोलते हैं यार एकदम दो कौड़ी की किस्मत है लेकिन उस किस्मत को कोई नूर बनाने का काम किया है हमने मेहनत करके आज भी रात दिन मेहनत करते हैं बेटा आप लोगों के लिए आज भी आप कभी भी देख लेना रात में दो बजे तीन बजे चार बजे आपको आंसर मिलते होंगे आज भी चार बजे मेरा स्टेटस लगता है जब मैं सोने जाता हूं ठीक है तो आज भी मेहनत करते हैं ऐसा नहीं है कि इस पायदान पर यूं ही खड़े इस पायदान को ऐसे किसी ने कैप्चर कर लिया होता अगर आज मेहनत नहीं कर रहे होते तो मेहनत कॉन्टिन्यूसली करनी पड़ेगी अगर आपको पीक पे रहना है तो ठीक है चलिए तो बेटा ये दो तरह के कोर्स है प्लस और आइकोनिक कोई भी कोर्स लीजिए चाहे प्लस चाहे आइकोनिक कोड याद रखेगा एस एस फाइव जीरो बार बार बोलो एसके एस फाइव जीरो एसके एस फाइव जीरो एस एस फाइव जीरो ठीक है मिस्टेक मत करिएगा अपने जूनियर्स को जरूर बताइए उनको पागल मत बनाइएगा ठीक है खुद गेट नहीं निकला तो उनको गेट निकालने के लिए हमारे गाइडेंस में मूव करने के लिए बोलिएगा अपना कोड मत दे दीजिएगा ठीक है उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आज के दिन हजार दो हजार जीत लोगे लेकिन लाइफ टाइम उसकी गालियां मिलेंगी जब उसको अच्छा गाइडेंस नहीं मिलेगा ठीक है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग नौ बजे से चल रहा है बुनियाद बैच और उड़ान बैच दोनों में वन टाइम पेमेंट नहीं कर पाते तो आप नो कॉस्ट ई कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना कोई इंटरेस्ट नहीं देना जितना कॉस्ट है उसी का ट्वेल्व से डिवाइड करके उतनी ई एम देनी है कोड याद रखेगा एस के एस फाइव जीरो आपको लिंक देता है कोई आपके पास कॉल आता है कोई कहता है आप डिनाई कर दीजिए आपको एक्सटेंड कराना है आपको आ, कुछ भी आ, आपको नया परचेज करना है आपको जूनियर को परचेज कराना है बोलिए कोड सिर्फ और सिर्फ एसके एस फाइव जीरो नथिंग एल्स नथिंग एनीथिंग अदर कोड है ना और अगर आप स्कॉलरशिप के साथ मूव करें तो केमिकल वालों के लिए वो अदर ब्रांच के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर खुल चुके हैं दिल्ली में वो बच्चे वहां जाकर स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हैं सुपर फॉर्म में जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं चलिए तो आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे थैंक यू वेरी मच 444 पे लिंक भेजा था आपने और आठ बजे मैं लाइव खड़ा था आठ दस पे मैं लाइव खड़ा था अब आप सोचिए कितनी देर सो जाऊंगा और आपको अगर ये लगता है कि दिन में सो लूंगा तो नहीं है ना मेरे अपने कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि आपने नींद पर विजय हासिल कर है और अभी जब रिजल्ट आया था उस टाइम पे लगातार दिन में घंटे सोया था, था। हाँ वहां से आने के बाद जरूर एक दिन का फिर ब्रेक लिया था मैंने लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर अगर डेडिकेशन है आपने ठान लिया ना करना है लाइफ में यार कोई नहीं रोक सकता आपको मैंने एक चीज जानी है मैं जब किसी चीज को ठान लेता हूं तो उसको करके ही रहता हूं बस आपको एक ही चीज मानना है मेरे स्टूडेंट हो ठान लो और मूव कर जाओ चलिए आज का सेशन एंड करेंगे ठीक है हंसते रहिए आप सारे लोग खुश रहिए सर आप बस हेल्थ का ध्यान रखिए मैं एकदम से अच्छा रहता हूं मुझे कुछ नहीं होने वाला है ना वो तो वो तो मैं क्लास तब भी कैंसिल ना करूं जब मुझे फीवर हो है ना जब मैं बहुत ज्यादा होता हूं। मैं तब भी क्लास कैंसिल दिखाओ क्लास तुम। तो उस केस में। मैं थकने और हारने वालों में से नहीं हूं मैं लड़ने वालों में से हूं मैं जीतने वालों में से हूं मैं जिताने वालों में से हूं आपको जिताऊंगा यार और आज आप हो कल आपके जूनियर्स होंगे कल आपके सीनियर थे और ये सीरीज चलती रहेगी जब तक इस बॉडी में दम है ना तब तक लड़ेंगे और जिस दिन लगा कि यार मैं आपके साथ न्याय नहीं कर पा रहा मैं आपको उतना नहीं प्रोवाइड कर पा रहा उसी दिन इस फील्ड से संन्यास ले लूंगा और जाके अपने बिजनेस देखूंगा चलिए तो आज का सेशन इसी के साथ एंड करेंगे थैंक यू वेरी मच लव यू ऑल टेक केयर एंड जय हिंद मिलेंगे कल के दिन 8:30 थर्टी एम कल का सेशन का टाइम होगा 8:30 थर्टी एम ओके लव यू गाइज